गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ट्रांसफर प्राइसिंग के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करने के लिए कहे थे, अटेम्प्ट किए आपने, देखो कि बड़े सिंपल क्वेश्चंस हैं और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। पेनल्टी आज कर लेंगे, क्वेश्चन 10 में अगर पेनल्टी का चक्कर है। अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं। सुनिए, हम अभी इंटरनेशनल टैक्स ट्रांसफर प्राइसिंग कर रहे थे। डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग आपने की हुई है, मुझे सिर्फ याद दिलाना है आपको, ATIA ATIB ये सीरीज हमने की थी, 10EE किया था हमने, अब ATIA का यूनिट है मेरा और एक मेरा नॉन ATIA यूनिट है। मैं यहां ट्रांजैक्शंस करता हूं, सेल करता हूं 200 लाख की, जबकि FMV है 90 लाख। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? ताकि ये प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाए और ये प्रॉफिट कम हो जाए, इससे मुझे डिडक्शन ज्यादा मिल जाएगी। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट क्या किया था हमने, ATIA वाला असेसी है, ये तो असेसी के सेम यूनिट्स हैं, एक असेसी के दो यूनिट्स हैं, एक यूनिट ATIA सीरीज के लिए एलिजिबल है, दूसरा एलिजिबल नहीं है। इनके बीच ट्रांजैक्शन इस तरह से की जाती हैं कि ATIA यूनिट को ज्यादा इनकम प्रोड्यूस हो, ऐसे ही ATIA असेसी, मैं हूं ATIA असेसी, मैं क्या करता हूं, चंद्रंश को सेल करता हूं हायर प्राइस पर, जबकि FMV है 90 लाख। इससे चंद्रंश को क्या फायदा हो रहा है? उसके प्रॉफिट कम हो गए, वापस कैश ले लूंगा उससे मैं, और मुझे क्या फायदा हो रहा है? प्रॉफिट बढ़ गए, डिडक्शन बढ़ गई। अब टीपी होती क्या है? आर्म लेंथ प्राइस निकालना। व्हाट इज आर्म लेंथ प्राइस? फेयर मार्केट वैल्यू। अब इन ट्रांजैक्शंस की फेयर मार्केट वैल्यू भी निकाली जाएगी थ्रू टीपी, मींस सिक्स मेथड्स। यानी AO के डिस्क्रिप्शन में नहीं छोड़े हम, हमने 6 मेथड्स प्रिस्क्राइब कर दिए, उन 6 मेथड्स के हिसाब से इन ट्रांजैक्शंस की आर्म लेंथ प्राइस निकाली जाएगी। इनका टोटल प्रॉफिट चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा? डिडक्शन चेंज होगी। अगर डिडक्शन आपने इन्फ्लेटेड प्रॉफिट पे क्लेम कर रही है, प्रॉफिट तो हम अपने इन्फ्लेटेड रखेंगे, पर डिडक्शन निकालने के लिए सही प्रॉफिट लिए जाएंगे। एक तो टीपी यहां लगाई गई है, यह है डोमेस्टिक टीपी, इसे बोलते हैं डोमेस्टिक टीपी, ठीक। एक हमने किया था सेक्शन जहां टैक्स रेट कंपनीज पर 15% हो गया था, कौन सा सेक्शन था? BAA था या BAB था? मैं भी बोल गया, सेक्शन 115 BAB में नई कंपनीज पर 15% टैक्स है,
सो ये नई कंपनी क्या प्लानिंग कर सकती है, प्रॉफिट बनते हैं सही में 100 करोड़, मेरे पास बहुत ब्लैक मनी है, मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट दिखा दूंगा 200 करोड़, सेल्स इन्फ्लेट कर दूंगा, टैक्स 220 दिखा देता हूं। आपने क्या पढ़ा था 115 BAB में, दिस 120 करोड़ विल बी टैक्सेबल एट 30%। यस यस, ये पढ़ा था आपने, क्या हो गया आजकल बहुत कंफ्यूज होने लगे हो। चलिए देखिए, समरी का यही फायदा होगा कि जैसे मैंने पेज फर्स्ट मॉड्यूल है, इट वाज अराउंड 500 पेजेस, दैट हैज कम इनटू 98 पेजेस, तो अब 500 पेजेस का जो फियर है 98 पेजेस में समराइज हो गया। और वहां पर भी जहां मुझे था कि आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, जैसे 35 AD में एसेट नॉन स्पेसिफिक बिजनेस में ट्रांसफर देते हैं तो क्या इंप्लीकेशंस होती है, उसके एग्जांपल भी मैंने डाल दिए। तो जहां पर भी मुझे था कि एग्जांपल आप भूल सकते हैं, मैंने वो एग्जांपल भी डाल दिया वहां पर। तो ये प्रॉफिट 120 करोड़ का 30% पे टैक्स होगा। अब सही प्रॉफिट निकालने के लिए एओ क्या करेगा, केस को रेफर कर देगा किसको, टीपीओ, इस पे ट्रांसफर प्राइस लगा दी जाएगी। और टीपी तब लगेगी जब ये ट्रांजैक्शंस टोटल पूरे साल में 20 करोड़ की, यानी छोटे मोटे केस में टीपी नहीं लगाएंगे हम, डोमेस्टिक टीपी। आइएगा अभी देख लेते हैं, पेज 190, नहीं पहले तो पेज 183, सबसेक्शन 2A, एनी अलावेंस फॉर एन एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट, एलोकेशन ऑफ एनी कॉस्ट, एक्सपेंस और एनी इनकम इन रिलेशन टू स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन शैल बी कंप्यूटेड हैविंग रिगार्ड टू द आमदन प्राइस। यहां चार्जिंग ले ली उन्होंने, पावर दे दी कि टीपी लगा सकते हैं। पेज 190, मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 92 CDE, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ अनेसेसरी मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नॉट बींग एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। पहला क्लॉज डिलीट हो गया, पहले अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन रेफर्ड इन 40A2 पर कुछ खर्चा करते थे उस पर भी टीपी लगा दी जाती थी, 40A2 यहां से हटा दिया गया। अब क्या बचा है, ATA, उसमें ATIA वगैरह है, वही देखिए ATIA, इसमें IB, IC, IDA सब हैं, 10AA ये है। सो 2, 3, 4, 5 जो मैंने अभी बताया आपको, इंटर यूनिट ट्रांसफर किया आपने, ATIA यूनिट में ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर लिए, ये वो है। नेक्स्ट देखिए क्या है, एनी ट्रांजैक्शन, एनी बिजनेस ट्रांजैक्टेड बिटवीन द पर्संस रेफर्ड इन सेक्शन 115 BAB 6 एंड वेयर द एग्रीगेट ऑफ सच ट्रांजैक्शंस, सब की बात कर रहे चंद्रस, इन सभी ट्रांजैक्शंस जो हैं उनका एग्रीगेट एक्सीड रुपीज 20 करोड़, तभी डोमेस्टिक टीपी लगेगी। जिन ट्रांजैक्शंस हुई हैं
ये जो ट्रांजैक्शंस हुई इनकी जो बुक में वैल्यू आ रही है दैट एक्सीड 20 crores। तो मैंने 2, 3, 4, 5 को समराइज कर दिया एक साथ। एलिजिबल बिजनेस इन 1 and 2 मींस बिजनेस रेफर्ड इन ATIA, ATIB पूरी सीरीज ले ली और 10AA। सबसेक्शन 1 और 2 वहीं से रिपीट किए हुए हैं। सबसेक्शन 1 है क्या, पढ़ के बताइए। 1 और 2 में क्या फर्क है? जल्दी बताइए। वन क्या है? ये नहीं है। एक यूनिट एलिजिबल है, दूसरा यूनिट नॉन एलिजिबल है। उनके बीच ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं ताकि आप यहां पर ज्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूस कर सके। सबसेक्शन 2 क्या है? किसी और पर्सन से डीलिंग हो रही है। इस तरह से हो रही है कि ATIA SSE प्रोड्यूसर्स मोर प्रॉफिट्स। तो AO इस केस को रेफर कर देगा ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। सो ALP निकाली जाएगी ट्रांजैक्शंस की ऑन द बेसिस ऑफ द 6 मेथड्स विच यू स्टडीड इन सेक्शन 92C। ठीक, मैंने आपके पुराने मॉड्यूल से ही कॉपी किया हुआ है। देखिए, एलिजिबल बिजनेस से 1000 crore के प्रॉफिट आ रहे हैं, नॉन एलिजिबल बिजनेस से 250 crores के आ रहे हैं, टोटल 1250 crore। 1000 crores की आपने ATIB क्लेम कर ली। अब AO कहता है जो सेल की है आपने नॉन एलिजिबल बिजनेस को, AO उस पर TP लगा देता है और आर्म्स प्राइस निकालता है 1400 crores और कहता है प्रॉफिट आपने 600 crore से ओवरस्टेट किए हुए हैं। अब क्या होगा? इनकम तो 1250 crore आएगी बट डिडक्शन विल बी रिड्यूस टू 400 crores। ये आपके पुराने मॉड्यूल से लिया हुआ मैंने। दूसरा एग्जांपल भी वही है, एलिजिबल बिजनेस से 1000 crore के प्रॉफिट आ रहे हैं आपको, 1000 crore की डिडक्शन है और AO कहता है आपने कुछ सेल्स किया दूसरी कंपनी को, उसको ओवरस्टेट किया हुआ है और उसका आर्म्स प्राइस निकालता तो देखता है कि प्रॉफिट्स ओवरस्टेट किया 600 crore से। अब क्या होगा? इनकम तो 1000 रहेगी बट डिडक्शन विल बी रिड्यूस टू 400 crore। वही पुराना एग्जांपल है, कट पेस्ट किया हुआ मैंने। 115 BAB 6 आप भूल चुके हैं इसलिए मैंने रिप्रोड्यूस कर दिया। 115 BAB विच प्रोवाइड्स अ टैक्स ऑफ 15% ऑन न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनीज प्रोवाइड्स अस अंडर वेयर इट अपीयर्स टू द AO दैट ओइंग टू क्लोज कनेक्शन बिटवीन द कंपनी एंड एनी अदर पर्सन और फॉर एनी अदर रीजन द कोर्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड बिटवीन देम इज सो अरेंज्ड दैट बिजनेस ट्रांजेक्टेड बिटवीन देम प्रोड्यूसेस टू द कंपनी मोर देन ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स विच माइट बी एक्सपेक्टेड टू राइज The AO shall in computing the profits and gains of such company for the purpose of this section take the amount of profits as may be reasonably deemed to have been derived therefrom, provided that in case the above arrangement involves a specific domestic transaction referred in 92BA, kab hogi hai? Agar total transaction values exceed rupees 20 crores, to amount of profits nikale jayenge by computing the arm's price using the 6 methods. Suppose a new manufacturing company opts for 115 BAB, shows business income as 50 crores, but AO finds profits have been overstated by making sales at a price higher than the fair market value and making purchases at the price lower than the fair market value. AO khud bhi nikal sakta arm's price using the 6 methods या फिर रेफर कर सकता है केस TPO को, निकालता है कि सही प्रॉफिट 22 करोड़ होने चाहिए थे। क्या करेगा? 22 करोड़ पे तो 15% लगेगा और बाकी 28 करोड़ पे लगेगा 30%। क्लियर?
हाँ हर जगह है, अभी करते हैं, अभी करते हैं। ये कह रहे हैं फंक्शनल डिफरेंसेस में ब्रांड का भी इशू हो सकता है। जहां ब्रांड का इशू आ गया वहां तो फिर निकालना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर आप देखें आज रोलेक्स वॉच के ब्रांड लगने से वॉच की वैल्यू 20 टाइम्स हो जाती है, तो वो ग्रे एरियाज हैं टीपी में। अच्छा, सेंस अब ये बात कर रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि जो सेल हो रही है बाहर ब्रांडेड आइटम की हो रही है, एसोसिएट एंटरप्राइज को ब्रांडेड आइटम जा रहा है, ब्रांड की वजह से वैल्यूएशन में फर्क आ सकता है, तो सिक्स मेथड्स फेल हो जाएंगे, सिक्स मेथड्स फेल हो जाएंगे, बिकॉज ब्रांड की वैल्यू का क्या एडजस्टमेंट करूं। ये वाला केस कोई छोटा मोटा सा सिद्ध होगा नहीं, कोई 100-200 की ट्रांजेक्शन वाला तो होगा नहीं, यहां तो अमाउंट होगा हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में। ठीक है, इन केसेस में क्या होता है, ऑल दो मैं ये पेपर सिक्स ही में कराता, बट सिंस आपने पूछ लिया इसलिए बता रहा हूं, बता भी इसलिए रहा हूं कि एक जगह इसका रेफरेंस आएगा नेक्स्ट क्लास में। तो सपोज इंडिया यूएस में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं और यहां एएलपी निकलना है, बट सिंस ब्रांड इन्वॉल्व्ड है तो ब्रांड की वैल्यूएशन करना मुश्किल है। अब क्या होगा, मैंने शायद बताया था आपको डीटीए होते हैं ना, डीटीए में कुछ अगर दिक्कत आती है तो मोदी और ट्रंप सॉल्व नहीं करते, क्या होता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। यूएस वाले कहेंगे हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये है, इंडिया वाले कहेगा हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ये है। आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, इंडिया में क्या करते हैं जो सबसे बढ़िया, सबसे मतलब नॉलेजेबल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स होता है, जिसको इंटरनेशनल टैक्स की नॉलेज होती है, उसको बना देते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सो अभी एक अमिताभ शुक्ला है जो डीजी इंटरनेशनल टैक्सेशन है, ही इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इंडियन डीटीएस। ऐसे यूएस वाले बैठा देते हैं, फिर क्या होगा इस केस में असेसी अपनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अप्रोच करेगा कि जी यहां दिक्कत आ रही है, ये इसको अप्रोच करेगी, दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे व्हाट शुड बी द एएलपी। इससे भी सेटिस्फाइड नहीं है आप, पेपर सिक्स में करेंगे फिर, बट लॉ में सब कुछ है, फील आ गई ना, बस आई जस्ट वांट यू हैव अ फील ऑफ इट, बिकॉज आई विल बी यूजिंग दिस कंसेप्ट इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट, वहां आपको एक लाइन मिलेगी इसके बारे में। तो कंपिटेंट अथॉरिटीज मिलकर डीटीए में प्राइस सेटल करती है, अगर झगड़ा होता है इन चीजों, ब्रांड जैसे ब्रांड है। ठीक, हमने पेज 193 पर सबसेक्शन 1 पढ़ा था, जहां पर सिक्स मेथड्स के हिसाब से एएलपी निकाली जाएगी। मैंने आपको 5 मेथड्स करा दिए थे और मैं हमेशा बैच में 5 ही मेथड कराता हूं।
सिक्स मेथड में चैप्टर पेपर सिक्स ही में कराता हूं, बट थोड़ा बहुत आपको करा देता हूं जितना मैंने गाइडेंस नोट से उठाया हुआ है। अब क्या होता है, ZMC सिंगापुर है, एक मिनट, ZMC सिंगापुर है, एक कंपनी है एमको इंडिया, एक कंपनी है क्रेस्ट यूएस। ये सभी एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है, हर का अपना अपना एक्सपर्टाइज है। ये लोग एक्सपर्ट हैं लेट्स से सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, और ये वाकई में एक्सपर्ट है। आपको जो टीवी का रिमोट होता है ना, उस पता चलता वो चलता कैसे है, उसमें एक सेमीकंडक्टर का चिप लगा होता है, एक सेमीकंडक्टर चिप लगा होता है। इस कंपनी की वर्ल्ड में एक्सपर्टाइज है उस चिप को बनाने में, और वो चिप ये इंडिया में बनाते हैं हैदराबाद में, बिकॉज सस्ता माल मिलता है यहां पर। एंड यू वोंट बिलीव इट, उस चिप की कॉस्ट सिर्फ 2 रुपए होती है इनकी, बाकी सारी टेक्नोलॉजी है इनकी। और आप एक रिमोट का जो खरीदते ना, रिमोट कंट्रोल टीवी का, वो 50-60 रुपए का आता है। यू कैन सी द प्रॉफिट मार्जिन्स। इनका एक्सपर्टाइज है सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में, इसका एक्सपर्टाइज है सॉफ्टवेयर में, इसका एक्सपर्टाइज है हार्डवेयर में। अब इसको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिलता है ट्रायम्स, जहां हार्डवेयर का भी नॉलेज चाहिए, सॉफ्टवेयर की भी नॉलेज चाहिए, और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी की नॉलेज चाहिए। एक 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। अब अकेले कोई ये काम नहीं कर सकता, तीनों चाहिए इस कॉन्ट्रैक्ट में मिलकर काम करेंगे। तो अब क्या होगा, ये लोग अपने एसेट्स एम्प्लॉय करेंगे, अपने बेस्ट इंजीनियर्स टेक्नीशियंस एम्प्लॉय करेंगे, रिसोर्सेज एम्प्लॉय करेंगे, डेटा वगैरह सब कुछ यूज करेंगे, और उससे ये जो इनको काम मिला है वो करके दिया जाएगा। अब टोटल यहां पर, मतलब ट्राइम से ऑर्डर आया 100 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ का ऑर्डर आया। एज द नेम सजेस्ट प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, तीनों की जो एक्चुअल कॉस्ट लगी है वो कम कर दीजिए, टोटल प्रॉफिट आ गया। लेट्स से कॉस्ट 20 लगे टोटल, 80 का प्रॉफिट आ गया। इस 80 के प्रॉफिट को स्प्लिट कर दीजिए बिटवीन द 3 ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, द कैपिटल एम्प्लॉयड, टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयड, एसेट एम्प्लॉयड, मैन पावर एम्प्लॉयड, इंजीनियर्स टेक्नीशियंस इन्वॉल्व, इन सब के बेसिस पर इस प्रॉफिट की एलोकेशन की जाएगी। ये है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। यस, ये तभी लगेगा जहां यूनिक इंटेंजिबल्स यूज किए जाते हैं, जहां एक एसोसिएट एंटरप्राइज काम नहीं कर सकती अकेली, 2-3 इकट्ठे मिलके ही काम कर सकती है। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड विच मे बी एप्लीकेबल मेनली इन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ यूनिक इंटेंजिबल्स, हर कोई अपने इंटेंजिबल्स यूज करेगा, और इन मल्टीपल इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन विच आर सो इंटर रिलेटेड दैट दे कैन नॉट बी इवेल्युएटेड सेपरेटली फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द आर्म लेंथ प्राइस ऑफ एनी वन ट्रांजेक्शन। एक सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा है, एक सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है,
एक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है, तीनों का सेपरेट इवोल्यूशन नहीं हो सकता, बाय विच कंबाइंड नेट प्रॉफिट ऑफ द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस अराइजिंग फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन विच दे आर एंगेज इज डिटरमाइंड। तो सबकी कॉस्ट तो ऑडिटर निकाल के दे देगा आपको, जो कंट्री का ऑडिटर है, मतलब जो आपकी कंपनी का ऑडिटर है, वो बता देगा, सर्टिफाई कर देगा, इस प्रोजेक्ट पे इतनी इतनी कॉस्ट इनकर हुई है। कंबाइंड नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए। अब ये चीज बड़ी सब्जेक्टिव होती है, अब सबका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वो निकाला जाए कि किसको कितना परसेंट प्रॉफिट मिलना चाहिए, ये तो एक सब्जेक्टिव एरिया है, बट ये डिसाइड कैसे किया जाएगा, द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय ईच ऑफ द एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस टू द अर्निंग ऑफ द कंबाइंड नेट प्रॉफिट इज देन इवेल्युएटेड, किस बेसिस पर, फंक्शंस परफॉर्म्ड, एसेट्स एम्प्लॉयड, रिस्क एज्यूम बाय ईच ऑफ द एंटरप्राइजेस, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट शेयर। तो अगर ये होता कि अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो ट्राइम को, सॉरी जो हमारा था क्रेस्ट यूएस को पेनल्टी देनी पड़ती उसको, क्रेस्ट ट्राइम को, तो रिस्क तो सारा ले रहा है क्रेस्ट, तो उसे ज्यादा प्रॉफिट एलोकेट होना चाहिए। तो ये सब्जेक्टिव इश्यू है। द कंबाइंड नेट प्रॉफिट इज देन स्प्लिट अमंग द एंटरप्राइजेस इन प्रपोर्शन ऑफ देयर रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस एज इवेल्युएटेड इन टू अबव एंड द प्रॉफिट दस अपोर्शन टू द असेस इज टेकन एंड अकाउंट टू अराइव एट द आर्म लेंथ प्राइस इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। ये मैंने आपके गाइडेंस नोट से एग्जांपल लिया हुआ है, सिर्फ नाम चेंज किए हुए हैं। ZMC टेक्नोलॉजी सिंगापुर होल्ड्स 27% शेयर्स इन एमको लिमिटेड इंडिया, क्रेस्ट लिमिटेड US होल्ड्स 32% शेयर्स इन एमको, तीनों एसोसिएट हो गई। एमको डेवलप सॉफ्टवेयर, डज बोथ ऑन साइट ऑफ साइट वारंटी कंसल्टेंसी, क्रेस्ट की वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है, क्रेस्ट US को एक ऑर्डर मिला ट्राइम से एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डेवलप करना है और इसको एग्जीक्यूट करने में ZMC टेक्नोलॉजी सिंगापुर, क्रेस्ट US एंड एमको हैव ईच कॉन्ट्रीब्यूटेड इंटीग्रली टू द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। Crest US finally delivers the product to Triumph and receives sale consideration of $50,000. Crest US in turn pays to ZMC Singapore and Amco India a sum of $10,000, $12,000 respectively and keep the balance for itself. Apne paas kitna rakha? $28,000? इन द एंटायर ट्रांजेक्शन अ प्रॉफिट ऑफ $10,000 इज अर्नड। सो तीनों की कॉस्ट ली जाती है और देखा जाता है प्रॉफिट कितना है, $10,000। एमको इनकर्ड अ कॉस्ट ऑफ $9,500 इन एग्जीक्यूटिंग द अब प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस परफॉर्म, रिस्क एज्यूम, एसेट एम्प्लॉयड, the relative contribution is taken as 50, 20, 30 for Amco, ZMC and Crest. Yani India ko kitna milna chahiye? 50%. Aage mat padhiyega. Dimag lagaiye apna. Sochiye aap Amco hain. Cost kitne incur kiya aapne? 9,500. कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था आपको? क्यों दिमाग नहीं लगा रहे आपने? द
10,000 का टोटल प्रोजेक्ट प्रॉफिट है, आपको 5,000 मिलना चाहिए था, यानी आपको टोटल क्रेस्ट यूएस से कितना पैसा मिलना चाहिए था, 9,500 प्लस 5,000, 14,500 मिला कितना है आपको, 12,000। देयरफॉर $2,500 से अंडरस्टेट किया हुआ है, एंड देयरफॉर $2,500 की एडिशन की जाएगी टू द इनकम ऑफ एमको लिमिटेड। सिंपल केस है, देखिए ना, इतना काफी आपके लिए भी। जो और इश्यूज हैं वो आगे जाके 6C में कर लेंगे। देखिए टीईपी अगर मैं करने बैठूं ना, 50 लेक्चर भी कम है। आप जानते हो बिग फोर में ट्रांसफर प्राइसिंग के अलग से डिपार्टमेंट होते हैं, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट अलग होता है, टीपी का डिपार्टमेंट अलग होता है। सो टीपी अगर मुझे पढ़ानी पड़ जाए प्रॉपरली तो 50 लेक्चर्स भी कम है उसके लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं रूटीन इश्यूज जो हम कर रहे थे लास्ट टाइम। स्टार्ट करिए पेज 193 से। ये कह रहे हैं आज बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बॉन्ड्स निकाले, यूपी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बॉन्ड्स निकाल के उनको रजिस्टर कराया है वहां पर बीएससी में। ये वही बॉन्ड्स हैं जो हम बात कर रहे थे 194 एलडी वाले। तो आप देखेंगे जो हम कर रहे हैं ना, सब कुछ आपको नजर आएगा। अभी तक नजर इसलिए नहीं आता था, नॉलेज नहीं थी। चलिए पेज 193 सबसेक्शन 1 कहता है कि इन 6 मेथड से एएलपी निकाली जाएगी। सबसेक्शन 2 कहता है मेथड्स प्रिस्क्राइब किए जाएंगे जो हमने पढ़ लिए। फर्स्ट प्रोविजन कहती है अगर मोर देन वन प्राइस निकलता है तो किस तरह से एएलपी निकाला जाएगा। हमने जो 35th परसेंटाइल मीडियन किया था वो करेंगे। नेक्स्ट प्रोविजन क्या कहती है कि अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस, अगर आमने प्राइस एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस से 3% से ज्यादा नहीं है तो हम एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस को ही एएलपी ले लेंगे, यानी 3% की वेरिएशन टॉलरेबल है। एओ बताइए एएलपी कब निकालने की बात करेगा, जहां वो देखता है। अच्छा एक ना आपकी टीपी की रिपोर्ट जाती है, एक टीपी की रिपोर्ट जाती है, रिपोर्ट कौन देता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें एक तो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हैं जो असेसी ने एंटर किए हैं, कौन सी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है जो उसमें असेसी ने एंटर किए हैं। सो सबसे पहला टीपी रिपोर्ट का पार्ट होता है ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई करके स्टेट करना। दूसरा उसमें पार्ट होता है कि किस तरह से आपने एएलपी निकाला है। तो टीपी रिपोर्ट आपको बताना होता है कि एएलपी कैसे निकाला, कौन सा मेथड यूज किया आपने। तीसरा उसे बताना होता है कि क्या क्या डेटा यूज किया, उसका सोर्स क्या था। सो इट्स अ डिटेल रिपोर्ट, इट्स अ डिटेल रिपोर्ट। अब एओ देखता है कि जो आपने मेथड यूज किया है वो ही गलत है बिल्कुल, या फिर जिस डेटा पे आपने रिलाई किया है वो डेटा ही गलत है। अच्छा एक मिनट, उससे पहले एक सेक्शन करते हैं 92D।
पेज 207 आपको अगर टीपी लगती है तो आपको कुछ प्रिस्क्राइब्ड इंफॉर्मेशन, प्रिस्क्राइब्ड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं और स्पेसिफाइड पीरियड के लिए मेंटेन करने होते हैं। और एओ अगर उन डॉक्यूमेंट्स को मांगता है आपसे तो जब भी आपको नोटिस मिलेगा उसके 30 डेज के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स को आपको देना पड़ता है। ऑन रिक्वेस्ट ये टाइम 30 डेज से और एक्सटेंड कर दिया जाता है। सो पेज 207 सेक्शन 92D मेंटेनेंस एंड कीपिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स बाय पर्संस एंटरिंग इनटू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। मेंटेनेंस कीपिंग फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स बाय सर्टेन पर्सन एवरी पर्सन who has entered into an international transaction or a specified domestic transaction shall keep and maintain such information and document in respect thereof as may be prescribed। तो ये basically information होती है, सुनिए, जो आपका foreign associate enterprise है उसका memorandum of association, articles of association, certificate of incorporation, उसकी ब्रांचेस वर्ल्ड में कहां कहां है उसकी डिटेल, उसके लेटेस्ट 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इस तरह की डिटेल्स होती है जो हम पेपर 6C में करते हैं डिटेल में। ठीक है, रूल्स है, इसमें पूरे रूल बने हुए हैं। वो रूल आप रट सकते नहीं है, पेपर 6C में आपके साथ बुक साथ होती है, उसको देख के करते हैं वहां। तो आपको प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी होती है, और ये प्रिस्क्राइब इंफॉर्मेशन कब मेंटेन करनी होती है, अगर जो आपने पूरे साल में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए हैं वो 1 करोड़ से एक्सीड कर रही है। यानी नीचे फुटनोट देखिए, अगर 1 करोड़ या उससे कम है, इन दैट केस You are not required to maintain these records, documents. Press important mark करिए, this could be an MCQ. Footnote. Prescribed information documents are not required to be maintained in a case where the aggregate value as recorded in the books of account of the international transaction entered into by the assessee does not exceed ₹1 crore. अगर 1 करोड़ या उससे exceeding 1 crore है तभी आपको प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स पर रखनी है। किसी ने मुझे क्वेरी भेजी कि सर यहां पर आप डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन लिखना भूल गए। मैंने कहा भूला नहीं, हुआ तो लगती तभी है जब 20 करोड़ से एक्सीड होती है, वहां तो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेंटेन करने ही होते हैं आपको स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांसफरिंग के। इनको हम बोलते हैं लोकल फाइल्स, इसको बोलते हैं हम लोकल फाइल, लिख लीजिए लोकल फाइल्स होती हैं इनको बोलते हैं। नंबर टू मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, देखेंगे अगर मौका मिला तो करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। आपके मॉड्यूल में मैंने एक पूरा चैप्टर बनाया हुआ है चैप्टर 15 है रिपोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप, ये कुछ इसका होता है, ये बहुत डिटेल होता है। अगर आप यहां देखेंगे 10 पेजेस में मैंने एग्जांपल देके समझाए हुए हैं। सो देखेंगे, मैं आज तक कभी नहीं कराया ये पेपर 7 में, तो शायद इस बार भी छोड़ूंगा ये, बिकॉज बहुत डिटेल है ये। सो नंबर टू है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी हैं इंटरनेशनल ग्रुप की, तो आपको
कीप एंड मेंटेन करनी होती है सच इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल ग्रुप एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ये होती है मास्टर फाइल्स, ये होती है मास्टर फाइल्स। नहीं, ये मास्टर फाइल्स अलग होती है, ये मास्टर फाइल्स अलग होती है जहां ग्रुप के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। तो आपका एक इंटरनेशनल ग्रुप है, यानी 5-6 कंट्री में आप ऑपरेट करते हैं, उसकी आप एक कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी हैं। ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, मैंने उस चैप्टर में समझाई हुई है विद एग्जांपल्स, बट आपके पेपर सब में छोड़ूंगा मैं इसे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी को मास्टर फाइल्स भी रखनी होती है, ठीक है। मास्टर फाइल ना रखने की पेनल्टी 5,00,000 रुपए होती है। मास्टर फाइल ना रखने की पेनल्टी 5,00,000 रुपए होती है, मैं कराऊंगा अभी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी क्या होता है, ये क्या होता है, ये हम अगर आप पढ़ना चाहें तो वो चैप्टर पढ़ लीजिएगा, उसमें मैंने डिटेल में दिया हुआ है, पेपर 6C में कराऊंगा उसे, ठीक है। अच्छा एक मिनट, प्लीज प्लीज सुनिए, ये मास्टर फाइल इंटरप्रिटेशन ये निकलती थी कि ये मास्टर फाइल आपको सबमिट करनी होती है अगर आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किए पूरे साल में कोई भी। फाइनेंस एक्ट 19 ने अमेंडमेंट की कि मास्टर फाइल तो आपको हर साल सबमिट करनी ही करनी पड़ेगी, चाहे आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं भी किए हैं उस साल तो भी मास्टर फाइल सबमिट करना मस्ट है, सबमिट करना होता है। तो ये मास्टर फाइल जो होती है ना, फर्निश करनी होती है, फर्निश। सो ये मास्टर फाइल, सो दिस इज दिस मास्टर फाइल, मास्टर फाइल द इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स टू बी केप्ट एंड मेंटेन्ड बाय एन कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी ऑफ द इंटरनेशनल ग्रुप एंड द फाइलिंग ऑफ रिक्वायर्ड फॉर्म्स, इसमें रिक्वायर्ड फॉर्म्स होते हैं, शैल बी एप्लीकेबल इवन वेन देर इज नो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय दिस कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी। तो जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी होती है उसको मास्टर फाइल रखना मैंडेटरी होता है, और अगर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन नहीं भी हो रही है तो इसको प्रिस्क्राइब अथॉरिटी को सबमिट करना होता है। The information shall be furnished by the constituent entity of the international group to the prescribed authority. तो देखिए क्या होता है टीपी में ना, चलिए आप जो याद रखेंगे सुनिए प्लीज। एक तो आपको सो टीपी डॉक्यूमेंटेशन लिखिए, ऐसे लिख लीजिए। एक तो आपको लोकल फाइल्स मेंटेन करनी होती है, ठीक है, एक आपको मास्टर फाइल्स मेंटेन करनी होती है। और एक आपको देनी होती है कंट्री बाय कंट्री सीबीसी, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्ट, सीबीसी रिपोर्ट। इतना याद कर लीजिए बस। सो प्लीज पार्डन मी, मैं ये कंसेप्ट करा नहीं पाऊंगा, बहुत डिटेल्ड है। ऑल दो इस मॉड्यूल में मैंने चैप्टर पूरा दिया हुआ है विद एग्जांपल्स, विद एग्जांपल्स है, खुद भी पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, इतना डिटेल मैंने समझाया हुआ है, बट मेरे ख्याल से पेपर 7 के लिए रेलेवेंट नहीं है। सो बस आपके इंस्टीट्यूट के मेटल में भी इतना लिखा हुआ है कि आपको 3 फाइल मेंटेन करनी होती है। एक तो होती है लोकल फाइल, लोकल फाइल क्या होती है 92D में जो सब सेक्शन 1 का क्लॉज 1 है जनरल इंफॉर्मेशन,
नंबर टू होती है मास्टर फाइल, जहां आप इंटरनेशनल ग्रुप का एक कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी बन जाते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी बन जाते हैं, तो वहां आपको मास्टर फाइल मेंटेन करनी होती है। इसमें कंडीशन होती है कि 500 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर कौन सा लेते हैं वो सब इश्यूज होते हैं, मास्टर फाइल मेंटेन करनी होती है। तीसरा, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग फाइलिंग रिक्वायरमेंट होती है। इसमें पूरा जो आपका ग्रुप है वर्ल्ड वाइड, उसकी कंसोलिडेशन करनी होती है कि पूरे वर्ल्ड वाइड कितने एम्प्लॉयज हैं, वर्ल्ड वाइड कितना टर्नओवर है, वर्ल्ड वाइड कितना प्रॉफिट है, वर्ल्ड वाइड कितने इंटेंजिबल्स यूज हुए, वर्ल्ड वाइड कितने टेंजिबल एसेट यूज हुए, पूरी रिपोर्ट बनती है। ठीक, इतना काफी है, इतना काफी आपके लिए, बस आगे चलिए। बोर्ड मे प्रेस्क्राइब द पीरियड फॉर विच सच इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आर टू बी केप्ट एंड मेंटेन अंडर द सेक्शन, और बोर्ड ने प्रेस्क्राइब कर दिया 8 साल, नीचे फुटनोट में दिया हुआ है। प्रेस्क्राइब इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी केप्ट एंड मेंटेन फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। 3, अगर एयू आपसे ये मांगता है, क्या नाम, लोकल फाइल्स या मास्टर फाइल मांगता है, मास्टर फाइल तो वैसे नहीं पड़ती आपको, लोकल फाइल्स, अगर प्रेस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स मांगता है तो आपको सबमिट करने पड़ेंगे विद इन 30 डेज ऑफ द रिसीट ऑफ नोटिस, और इसको आप बढ़वा सकते हैं बाय अनदर 30 डेज। द एओ और द सीआईटीबीएस मे इन द कोर्स ऑफ एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट रिक्वायर एनी पर्सन रेफर्ड इन क्लॉज 1 मीन्स लोकल फाइल्स, लोकल फाइल्स। क्लॉज 2 क्यों नहीं ले रहे, मास्टर फाइल तो करना मैंडेटरी होता आपका। रिक्वायर एनी पर्सन रेफर इन क्लॉज 1 और सबसेक्शन 1 टू फर्निश एन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रेफर देर इन विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ नोटिस इन दिस रिगार्ड प्रोवाइडेड एट एओ और द सीआईटीबीएस मे ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय द पर्सन एक्सटेंड द पीरियड ऑफ 30 डेज बाय फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 30 डेज। 4, ये मास्टर फाइल की रिक्वायरमेंट है। ये जो मास्टर फाइल होती है ना, इसे फर्निश करना मैंडेटरी होता है टू द अथॉरिटी, जो 286(1) में दी हुई है, इन द मैनर, इसकी ड्यू डेट होती है, सब कुछ प्रिस्क्राइब होता है। 6C में करेंगे इसे, बहुत डिटेल में करेंगे, फॉर्म्स भी कराऊंगा, ये वाले इसके फॉर्म्स भी कराऊंगा। चलिए वापस आ जाइए, वापस आ जाइए पेज 193, 92C का सबसेक्शन 1-2 हो गया था हमारा। अब 3 पढ़ते हैं। 3 में लिखा हुआ है, सुनिए, एओ आपकी एएलपी कब निकालेगा, जब आपने जो प्राइस निकाला है 6 मेथड्स के हिसाब से नहीं निकाला, और बताइए जो आपने डेटा यूज किया हुआ है, जो आपने डेटा यूज किया हुआ है दैट इज नॉट रिलायबल। 3, जो 92D में आपने डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट थी आपने मेंटेन नहीं किए हैं। 4, 92D सबसेक्शन 3 अभी आपने पढ़ा, उसमें नोटिस आया आपको, उस नोटिस से कंप्लाई नहीं किया आप, देन एओ शैल प्रोसीड टू डिटरमिन द एएलपी। क्लियर है? Where during the course of any proceeding for assessment of income, the AO on the basis of material information in his possession is of the opinion that, what opinion? The price charged or paid in the international transaction or specified domestic transaction has not been determined in accordance with subsection 1, subsection 2. C padhiye. The information data used in computation of arm length price is not reliable or correct. B or D पढ़िए, B क्या है? Any information document relating to international transaction, domestic, specific domestic transaction have not been kept and maintained by the assessee in accordance with 92D1 and the rules made there under. और D क्या है? Assessee has failed to produce within the specified time and information, documents which was required to furnish
by a notice issued under section 92D subsection 3, the AO may proceed. May kyun likha hua hai? देखिए अगर आपको नोटिस दिया गया, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी, अब एओ के डिस्क्रिशन है कि एएलपी निकाले ना निकाले। अगर उसे लगता है कि एएलपी सही तरीके से निकाली गई है, सही तरीके से निकाली गई है ऑडिट रिपोर्ट में, ही मे नॉट प्रोसीड टू डिटरमिन द एएलपी। एओ मे प्रोसीड टू डिटरमिन द एएलपी इन रिलेशन टू द सेट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन इन अकॉर्डेंस विद सबसेक्शन 1 एंड 2 ऑन द बेसिस ऑफ सच मेटीरियल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल विद हिम। तो यहां तो लिखा कि एओ जो है खुद एएलपी निकाल लेगा यूजिंग द 6 मेथड्स। बताइए ना, प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी शैल बी गिवन टू द असेसी बाय द एओ by serving a notice upon the assessee to show cause on a date time to be specified therein, why arm length price should not be so determined on the basis of material information documents in possession of the AO. आपको show cause देंगे कि हम ALP क्यों ना निकालें आपकी, प्रूव कर दीजिए आपको प्राइस करेक्ट है। सबसेक्शन 4 आपने कर लिया था कि arm length price जो निकाली गई AO उसे may use फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टोटल इनकम। में क्यों लिखा हुआ है? अगर एएलपी से इनकम कम हो जाती है उस केस में एएलपी यूज नहीं करेगा। फर्स्ट प्रोविजो 10AA चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं बढ़ेंगी। सेकेंड प्रोविजो, दूसरी पार्टी ये नहीं कह सकती कि हमारी भी इनकम कम करिए, टीडीएस वापस कीजिए। तो मैंने आपको डिटेल में कराया था लास्ट टाइम, आई होप क्लियर हो रहा है आपको। इसके आगे काम सब कर चुके हैं। देखिए अभी करते हैं, टीपी की रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी होगी, नहीं सबमिट करेंगे तो क्या पेनल्टी होंगी, ये सब बातें पेनल्टीज में आज ही करेंगे। पेज 205 रेफरेंस टू टीपीओ, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफर किया जाएगा केस। तो एओ अगर खुद कंपिटेंट है एएलपी निकालने के लिए खुद निकाल लेगा, बट आज तो फेसलेस असेसमेंट हो गया है। असेसमेंट यूनिट तो सिर्फ असेसमेंट का ड्राफ्ट ऑर्डर बनाता है, उसे अगर एएलपी निकलवानी होगी तो किसको केस रेफर करेगा? टेक्निकल यूनिट को। टेक्निकल यूनिट में आप टीपीओ होंगे। अब टेक्निकल यूनिट में टीपीओ बैठा दिए गए हैं। वेयर एनी पर्सन बीइंग द असेसी हैज एंटर्ड इनटू एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और specified domestic transaction in any previous year and the EU considers it necessary or expedient so to do, he may with the previous approval of the commissioner. So commissioner ka approval leke refer the computation of arm length price in relation to the said international transaction or specified domestic transaction under section 92C to the TPO. हुआ क्या था, जब इंडिया में टीपी आया था 2001 में, किसी को टीपी नहीं आता था। इंडियन गवर्नमेंट ने, अच्छा यूके सबसे पहली कंट्री थी जिसने टीपी का लॉ इंप्लीमेंट किया था। आज कोविड वैक्सीन भी यूके ने पहली निकाल दी है। सो यूके वाज़ द फर्स्ट कंट्री टू इंप्लीमेंट टीपी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था, 200 ज्वाइंट कमिश्नर्स उठाए थे पूरी इंडिया से, उनको 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेज दिया था यूके में। और जब 2 साल बाद वापस आए थे ये, उनको डेजिनेट किया गया था एसटीपीओ। इन ऑफिसर्स को जो वहां सैलरी मिली होगी 2 साल, इंडिया में टैक्सेबल होगी या नहीं? सेक्शन 9 किया था आपने, पेबल बाय द इंडियन गवर्नमेंट, वो तो टैक्सेबल होगी।
लेकिन वहां जो रहने के लिए परक्विजिट अलाउंसेस मिले होंगे वो एग्जेम्प्ट 10-7। ओके, वेयर अ रेफरेंस इज मेड अंडर सबसेक्शन 1, द टीपीओ शेल सर्व अ नोटिस ऑन द असेसर रिक्वायरिंग हिम टू प्रोड्यूस और कॉस्ट टू प्रोड्यूस ऑन अ डेट टू बी स्पेसिफाइड देयर इन एनी एविडेंस ऑन विच असेसी मे रिलाय इन सपोर्ट ऑफ कंप्यूटेशन मेड बाय हिम ऑफ द आर्म लेंथ प्राइस इन रिलेशन टू द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1। टीपीओ असेसी को नोटिस देगा और कहेगा कि आप बताइए आपने कैसे निकाली है आर्म लेंथ प्राइस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। अब बड़ी सारी लिटिगेशन आ गई, बड़ी सारी लिटिगेशन आ गई। ध्यान से करिएगा, ध्यान से करिएगा। टीपी रिपोर्ट में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 1, 2, 3 एंड 4 है। एओ ने इनको रेफर कर दिया टीपीओ को, एओ ने 3 ट्रांजैक्शन को टीपीओ को रेफर किया, उसने कहा चौथी ट्रांजैक्शन का एलपी सही है। अब टीपीओ क्या ट्रांजैक्शन 4 की भी एलपी निकाल सकता है? टीपीओ को लगता है कि 4 का भी आर्म लेंथ प्राइस सही नहीं है, तो क्या टीपीओ ट्रांजैक्शन नंबर 4 की एलपी भी निकाल सकता है? सम ऑफ यू सेइंग यस, सम ऑफ यू सेइंग नो। मेरे हिसाब से भी नहीं निकाल सकता होगा, बिकॉज अब रेफर 3 किए हैं तो 3 ही के निकालने चाहिए। बट देखिए जो एओ बैठा है उसको तो नॉलेज है नहीं कि आर्म लेंथ प्राइस क्या होता है। ये तो टीपीओ जो टेक्निकल पर्सन है जो जानता है कि व्हाट इज आर्म लेंथ प्राइस, तो इस पर लिटिगेशन आ गई। टीपीओ ने चौथी की भी निकाल दी, लोग कोर्ट्स में पहुंच गए कि आप ये निकाल ही नहीं सकते थे, एंड देयरफॉर लॉ अमेंड किया गया। सब सेक्शन 2A पढ़िएगा, वेयर एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अदर देन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 मींस जो टीपीओ को रेफर की गई है कम्स टू द नोटिस ऑफ द टीपीओ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग अंडर बिफोर हिम द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर शैल अप्लाई एज इफ सच अदर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रेफर्ड टू हिम अंडर सबसेक्शन 1। तो टीपीओ फोर्थ ट्रांजैक्शन की भी एएलपी निकाल सकता है और यह एज्यूम किया जाएगा कि फोर्थ ट्रांजैक्शन भी रेफर की गई। इसके बाद और लिटिगेशन आई, टीपी रिपोर्ट में सिर्फ 4 इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मेंशन थी, ट्रांजैक्शन 5 रिपोर्टेड ही नहीं थी, ट्रांजैक्शन 5 रिपोर्टेड ही नहीं थी, बट टीपीओ ने पकड़ लिया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। जैसा ना अनरिलेटेड पार्टी से जो करते थे हम, उस तरह से डमी वाले कोई बीच में इंटरपोज किया था, टीपीओ ने पकड़ लिया। अब क्या जो टीपी रिपोर्ट में मेंशन नहीं है उसकी एलपी निकाल सकता है टीपीओ? नहीं निकाल सकता, नहीं निकाल सकता। इसलिए यह सब सेक्शन 2 भी लिया है। Where in respect of an international transaction the assessee has not furnished the report under 92E, इसको misinterpret मत करिएगा। क्या interpretation ले रहे हैं आप? Report submit तो किया but उसमें transaction mention नहीं है, report submit तो किया but उसमें international transaction mention नहीं है। So देखिए मैंने highlight क्यों है, इन दोनों को most important mark करिएगा।
2A2B. Where in respect of an international transaction, the SSE has not furnished the report under section 92E, and such transactions come to the notice of the TPO during the course of proceeding before him, the provision of this chapter shall apply as if such transaction is an international transaction referred in subsection 1. कुछ नोटिस किया आपने सबसेक्शन 2A और 2B में? क्या नोटिस किया? ये सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, यानी कि स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कि ALP TPO सिर्फ उस केस में निकाल सकता है जो ट्रांजैक्शन उसको रेफर की गई. दिस इज द क्रक्स. लिखवा तो अभी आपको शायद देखिए एनालिसिस में मैंने कवर किया हो. अंडर सेक्शन 92E जहां रिपोर्ट देनी होती है, ऑडिट रिपोर्ट, देयर इज अ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट ऑन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स पेयर इज अंडर ऑब्लिगेशन टू फर्निश द ऑडिट रिपोर्ट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म बिफोर द AU कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस अंडरटेकन बाय द टैक्स पेयर ड्यूरिंग द ईयर. इवन डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन भी देनी पड़ती है. द ऑडिट रिपोर्ट इज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट विद द AU which contains the details of international transaction undertaken by the taxpayer. If SSE does not report such transaction in the report furnished under 92E, the AO would normally be not aware of such international transaction. As to make a reference to TPO, the TPO may notice such transaction subsequently during the course of proceedings before him in absence of specific power. The determination of arm's length price by the TPO would be open to challenge before the legal authorities, even though the basis of such action is non-reporting of transaction by the taxpayer. Therefore, 92CA has been amended to empower TPO to determine the arm's length price of an international transaction noticed by him in the course of proceedings before him, even if the said transaction is not referred to him by the AU, provided that such international transaction was not reported by the taxpayer as per requirements cast अंडर 92E. अब मुझे 92 2A के बारे में बताइए क्या है. एक काम करिए लिखिए, ये लिख लीजिए. टीपी रिपोर्ट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ international transaction A, B, C and D. AO refers transaction A, B and C to TPO. (coughs) 92CA subsection 2A क्या कह रहा है? TPO can determine ALP of transaction D also. 92CA2B क्या कह रहा है? सो TPO कैन डिटरमिन ALP ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन which was not reported in TP audit report.
इसलिए तो टाइम लगा रहा हूं यहां पर, इंस्टीट्यूट ने एमसीक्यूज बनाए हुए इस पर। कुछ कह रहे थे जश्न आप? यस, डी और ई के लिए टीपीओ असेसी को शो कॉज देगा कि इस ट्रांजैक्शन की मैं एलपी निकालना चाह रहा हूं, आप बताइए आपने कैसे एलपी निकाली है। व्हाट अबाउट स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन? ओनली निकालेगा सिर्फ ओनली फॉर दोज ट्रांजैक्शंस विच आर रेफर्ड बाय द ईओ टू द टीपीओ। नोट दीजिए, टीपीओ कैन डिटरमिन एएलपी ऑफ ओनली दोज स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस विच हैव बीन रेफर टू हिम बाय द ईओ। क्लियर है? ओके, अब सबसेक्शन थ्री में लिखा हुआ है कि टीपीओ असेसी को सुनेगा, उसने जो मेटल प्रोड्यूस किया उसको देखेगा, अपना मेटल बताएगा मैं क्या यूज कर रहा हूं, और फिर क्या निकाल देगा आपकी एएलपी, और अपने ऑर्डर की कॉपी भेज देगा असेसी को और एओ को। अब तो टेक्निकल यूनिट निकालता है, रिपोर्ट किसको भेजता है? नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर को। नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर भेजता है रीजनल असेसमेंट यूनिट को। ऑन अ डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस अंडर सबसेक्शन टू और एज सून एज आफ्टर एज मे बी आफ्टर हियरिंग सच एविडेंस एज द असेसी मे प्रोड्यूस इंक्लूडिंग एन इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन सबसेक्शन थ्री ऑफ 92D एंड आफ्टर कंसिडरिंग सच एविडेंस एज द टीपीओ मे रिक्वायर ऑन स्पेसिफिक पॉइंट्स And after taking into account all relevant material which is gathered, the TPO shall, by an order in writing, determine the arm length price in relation to the international transaction, specific domestic transaction, in accordance with subsection 3 of 92C, and send a copy of the order to the AO and to the assessee. But the TPO, kya six methods he use karega? Uske alawa bhi use kar sakta hai? Six methods he use karega. So, TPO सिक्स मेथड से यूज करेगा अच्छा मैंने आपको बताया था कि 143(3) की असेसमेंट का टाइम लिमिट होता है 9 months फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर और जहां केस टीपीओ को रेफर हो गया है ये टाइम लिमिट बढ़ा दिया जाएगा बाय 12 months। कहीं पर नोट लिखिए अप टू असेसमेंट ईयर 2021 टाइम लिमिट फॉर मेकिंग असेसमेंट Under 143 was 12 months from end of relevant assessment year. ये time 9 months हो गया है
from assessment year 21-22. Finance Act 21C. And where case is referred to TPO, time shall be increased by 12 months. Yani ye ho jayega 24 months aur ye ho jayega 21 months. So up to assessment year 2021, time limit for making assessment under 143 was 12 months from the end of the relevant assessment year. Ye 9 months ho gaya from assessment year 21-22 as per Finance Act 21. Aur jahan case refer kiya apne TPO ko, time limit should be increased by 12 months. That is, ye 12 mahine ki jagah 24 mahine ho jayega aur 9 mahine ki jagah 21 mahine ho jayega. असेसमेंट ईयर 2021 के लिए 143.3 करने की टाइम लिमिट क्या होती है? 12 महीने, 31 मार्च 2022 जहां टीपी का केस होता है वहां पर 12 महीने एक्सटेंड हो जाता है. कितना? 23 हो जाएगा ना, 12 महीने एक्स्ट्रा बनते हैं टीपी के केस में. अब एओ ने केस टीपीओ को रेफर कर दिया, लॉ कहेगा टीपीओ को अपनी रिपोर्ट देनी पड़ेगी. ये जो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है ना सस्पेंड करने का, उससे एटलीस्ट 60 डेज पहले टीपीओ को रिपोर्ट देनी पड़ेगी अपनी. जो टाइम बारिंग पीरियड है असेसमेंट का, उससे एटलीस्ट 60 दिन पहले. ऐसा क्यों करवा रहे हैं? ताकि एओ को 60 डेज मिल जाएं अपनी असेसमेंट कंप्लीट करने में. वेयर आर रेफरेंस इज मेड अंडर सबसेक्शन 1 टू द टीपीओ एंड ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3. व्हाट इज ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3? ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मे बी मेड एट एनी टाइम बिफोर 60 डेज प्रायर टू द डेट ऑन विच पीरियड ऑफ लिमिटेशन रेफर्ड इन 153 और 153 बी एक्सपायर्स. तो जो टाइम पीरियड असेसमेंट का होता है उससे एटलीस्ट 60 डेज पहले क्या करेगा? अपना ऑर्डर बना देगा टीपीओ. वेयर प्रोसीडिंग्स आर स्टेड बाय एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड द टाइम पीरियड अवेलेबल विद द टीपीओ टू मेक द ऑर्डर इज लेस देन 60 डेज देन पीरियड शैल बी एक्सटेंडेड टू 60 डेज. देखिएगा, आप कोर्ट से स्टे ले लेते हैं तो असेसमेंट का टाइम पीरियड बढ़ जाता है. यहां पर भी इन्होंने प्रोवाइड कर दिया कि अगर स्टे लेने की वजह से टीपीओ को जो टाइम मिल रहा है 60 डेज से कम मिल रहा है, तो हम 60 डेज उसको दे देंगे कम से कम ऑर्डर करने के लिए. एग्जांपल देखिएगा, फॉर असेसमेंट या 1920 असेसमेंट प्रोसीडिंग आर गोइंग ऑन अंडर 143 द एओ मेक अ रेफरेंस टू टीपीओ On 30th 8/20 to determine the arm length price. Now, as per 153(1), assessment कब तक complete होनी चाहिए? 31st March 2022. Therefore, assessment under 143(3) can be completed up to 31st March 2022. As per 92 CA 3A, the TPO has to pass the order under 92 CA determining the arm length price on or before 30th January 2022. ताकि 31st January एक दिन, 28 दिन फरवरी के 29, 31 मार्च के 60 डेज मिल जाए एओ को. यस, टीपीओ इज पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स अथॉरिटी. इनफैक्ट नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेनेशन देखिए, टीपीओ होता कौन है? मैंने बताया था जब ये टीपी का लॉ आया था ना, तो इन्होंने 200 जेसीज बाहर ट्रेनिंग के लिए भेज देते. ये बाहर से जब 200 जेसी आए थे, इनको डेजिनेट किया था टीपीओ. धीरे धीरे इन्होंने अपने काम सिखाए एसीडीसी को, उनको भी अब टीपीओ बना देते हैं.
तो टीपीओ मतलब क्या था, टीपीओ मींस जॉइंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड टू परफॉर्म ऑल और एनी ऑफ द फंक्शंस स्पेसिफाइड इन 92C and 92D। तो एओ को ही डेसिनेट कर देते हैं टीपीओ, वापस सही है। सबसेक्शन 4, सबसेक्शन 4 में अमेंडमेंट आई, एक जजमेंट आया सोनी इंडिया का, एक जजमेंट आया सोनी इंडिया का दिल्ली हाई कोर्ट, जहां सोनी इंडिया का केस एओ ने टीपीओ को रेफर कर दिया, एओ ने सोनी इंडिया का केस टीपीओ को रेफर कर दिया, टीपीओ ने आमलेन प्राइस निकाली, एओ कहता मुझे पसंद नहीं आई, अब मैं खुद की निकालूंगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? सोनी इंडिया में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा यस पॉसिबल है, बट गवर्नमेंट ने कहा अगर ऐसा इंटरप्रिटेशन है फिर तो टीपीओ का मजाक उड़ा रहे हैं, एंड देयरफॉर सबसेक्शन 4 चेंज किया गया, उसमें लिखा गया कि एओ को कंपल्सरली फॉलो करना पड़ेगा ऑर्डर ऑफ टीपीओ। ऑन रिसीट ऑफ ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 द एओ शैल प्रोसीड टू कंप्यूट द टोटलिंग ऑफ द सेसी अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ 92C इन कंफर्मेटिव विद, ये अमेंडमेंट थी, इन कंफर्मेटिव विद द आर्म लेंथ प्राइस सो डिटरमाइंड बाय द टीपीओ। इसके बाद मैंने लिखा है द एओ इज बाउंड टू फॉलो द प्राइस डिटरमाइंड बाय द टीपीओ। नेक्स्ट, अगर टीपीओ के ऑर्डर में कोई मिस्टेक आ जाती है तो उसे टीपीओ ठीक करेगा बाय पासिंग अ 154 रेक्टिफिकेशन ऑर्डर, और 154 हमने जो किया था 4 साल मिलते हैं वो सब मिल जाएंगे इसको सबसेक्शन 6। बताइए जहां टीपीओ अमेंडमेंट ऑर्डर पास करे तो वो क्या करेगा, उसकी कॉपी भेजेगा किसको, एओ को, एओ फिर अपना ऑर्डर अमेंड करेगा इन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टीपीओ। वेयर एनी अमेंडमेंट इज मेड विद द टीपीओ अंडर सबसेक्शन 5 ही शैल सेंड अ कॉपी ऑफ हिज ऑर्डर टू द एओ हु शैल देयर आफ्टर प्रोसीड टू अमेंड द ऑर्डर ऑफ असेसमेंट इन कंफर्मिटी विद द ऑर्डर ऑफ टीपीओ। लास्ट टाइम आप पूछ रहे थे कि टीपीओ को कैसे पता चलेगा कि उस पार्टी ने इतना जीपी दिखाया है, इन्होंने वाइड पावर दे दी टीपीओ को। सपोज आप कहते जी मेरी अनकंट्रोल पार्टी मुंबई में बैठी हुई है, मैंने उसका पैरामीटर्स लिए हैं, तो टीपीओ उसको समन कर लेगा, अपनी किताबें लेके आ जाइए। क्या टीपीओ खुद जाकर वहां पर सर्वे करके डॉक्यूमेंट्स निकाल के ला सकता है? ये सारी पावर दे दी। सबसेक्शन 7 इज इंपॉर्टेंट पावर, द टीपीओ मे फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द आर्म्स प्राइस अंडर सबसेक्शन अंडर दिस सेक्शन एक्सरसाइज ऑल और एनी ऑफ द पावर्स स्पेसिफाइड इन ए टू डी ऑफ सबसेक्शन 131 ऑफ द समन करना, किसी को बुला लेना, किसी को ओथ पर एग्जामिन करना, वो सारी पावर्स है उसके पास। एंड सबसेक्शन 6 ऑफ 133, आपको याद होगा डायनर्स क्लब का मैंने केस कराया था, इंफॉर्मेशन मंगा सकते हैं आपको बाय लेटर, और 133 है सर्वे भी कर सकते हैं आपको। इन ऑर्डर टू एनेबल द टीपीओ टू कंडक्ट ऑन द स्पॉट इंक्वायरी वेरिफिकेशन 92CA-7 हैज बीन अमेंडेड सो एज टू एनेबल द टीपीओ टू ऑल्सो एक्सरसाइज द पावर ऑफ सर्वे कन्फर्ड ऑन द इनकम टैक्स अथॉरिटी अंडर 133A। टीपी आने से लिटिगेशन बहुत बढ़ गई,
ट्रांसफर प्राइसिंग आने से इंडिया में लिटिगेशन बहुत बढ़ गई। एओ एएलपी जो असेसरी खाता था मानते ही नहीं थे और हर केस को रेफर कर देते थे टीपीओ को या खुद एएलपी निकालने बैठ जाते थे और मैसिव एडिशंस कर देते थे और जबरदस्त लिटिगेशन आ गई टीपी के लॉ पर। गवर्नमेंट से कहा गया इस लिटिगेशन को रोकिए अदरवाइज सिर्फ टीपी लिटिगेशन रह जाएगी। सेफ हार्बर, हार्बर क्या होता है? समुद्र का किनारा जहां शिप खड़ा होता है। शिप जो है सी शोर के पास खड़ा करते हैं स्टिल वाटर में, सेफ होता है वहां पर। तो ऐसे ही हम सेफ हार्बर रूल्स बना देते हैं। अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं तो हम कोई एडिशन नहीं करेंगे, टीपीओ को केस रेफर नहीं किया जाएगा, ना ही एओ एएलपी निकाले। ये सेफ हार्बर रूल्स मुझे आपको छुड़वाने पड़ेंगे। सेफ हार्बर रूल्स मुझे आपको छुड़वाने पड़ेंगे। फॉर पेपर सेवन कौन सा भेजा देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आपको रियलाइज हो जाएगा मैं क्यों छुड़वा रहा हूं। इन पेज 266 सेफ हार्बर रूल्स, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट्स एंड प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट्स, सेक्शन 92 सीबी प्रोवाइड्स एट डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस अंडर सेक्शन 92 सी 92 सीए शैल बी सब्जेक्ट टू सेफ हार्बर रूल्स। 92 सीबी एम्पावर्स सीबीडी टू प्रिस्क्राइब सेफ हार्बर रूल्स। सेफ हार्बर का मतलब क्या होता है? सर्कमस्टेंसेस इन विच इनकम टैक्स अथॉरिटीज विल एक्सेप्ट द ट्रांसफर प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द सेसी। अगर इंडियन असेसी क्या कर रहा है, फॉरनर के लिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, तो उसको अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दिखाना पड़ेगा कितना, नॉट लेस देन द प्रिसाइज परसेंटेज, 17% से कम नहीं दिखाएगा। जहां इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 100 करोड़ तक की है, और 18% से कम नहीं दिखाएगा जहां इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 100 करोड़ से ऊपर की है बट अप टू 200 करोड़ से, और 200 करोड़ से ऊपर है तो सेफ हार्बर रूल लगेंगे नहीं। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट को तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाएंगे कम से कम 17%। अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन 100 करोड़ से ऊपर की नहीं है और 100 करोड़ से ऊपर है 200 करोड़ तक की है तो 18%। अगर नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस क्या होती है, कॉलम 3 में डिफाइंड है, तो आपको कम से कम देखना पड़ेगा कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्रॉफिट डिक्लेयर करेंगे आप। पॉसिबल है आपके लिए याद करना, ये इम्पॉसिबल है। ऐसे देखिए आगे दिए जा रहे हैं पूरे,
एक मिनट प्लीज। तो देखिए, सेफ हार्बर रूल मैं करा भी दूंगा, कोर्स इतना वाइड है, लास्ट डे पे बैठ के ये रिवाइज करेंगे आप, सेफली छोड़ते हैं, सेफली छोड़ते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता, यू कैन कर्स मी, मैं तो एक बार बोल देता हूं, फिर कहूंगा रट लीजिए, ओनस खत्म हो गया मेरा। पर मुझे मालूम है, मुझे भी याद नहीं है, ये मैं कितने साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे आज तक याद नहीं है, मुझे रेफर करने पड़ते हैं। हाँ, पेपर सिक्स से मैं आपको सिखाऊंगा कैसे रेफर करते हैं। पेपर सिक्स में आपको कंफ्यूज करते हैं, आप वन में आ रहे हैं, टू में आ रहे हैं, थ्री में आ रहे हैं, वहां ये कंफ्यूजन होता है, फिर वहां बताऊंगा कैसे हो, क्या देख रहे हो, बिकॉज वहां पर किताब मेरे पास होगी एग्जाम में, वहां मुझे सीखना पड़ता है कि किस तरह से रेफर करते हैं। कि फॉरनर अगर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस का काम आउटसोर्स कर इंडियन को, तो कौन सा लगेगा, वन टू थ्री, वो सब बातें सीखेंगे। बट वो एग्जाम में तभी हाँ से कर सकते हैं जब आपके सामने किताब हो। सो वहां ओपन बुक का काम होता है, और बिना पढ़े जाएंगे, किताब ले भी जाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आपके साथ पेपर सिक्स ही में 2 घंटे लगाऊंगा इस चैप्टर में, बट यही बोलेंगे कुछ रट नहीं सकते हम, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो किताब रेफर करके आंसर करें, ठीक। यानी गवर्नमेंट ने अलग अलग बिजनेस नोटिफाई कर दिए कि अगर ये प्रोवाइड करें आप फॉरनर को, तो इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाएंगे, इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाएंगे, ये सब बातें। और अगर आपने इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा दिया, फिर क्या होगा, केस टीपी में नहीं खोलेगा, एओ ना तो एएलपी निकालेगा, ना ही केस टीपीओ को रेफर करेगा, ठीक। मैं आपको कराऊंगा सेक्शन 911, जहां नॉन रेजिडेंट का इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, तो प्रॉफिट्स जो इस बिजनेस कनेक्शन की वजह से आ रहे हैं, वो टैक्सेबल होंगे इन इंडिया। अब बताइए, इस पे झगड़े होते होंगे, हाउ मच प्रॉफिट्स हैव कम बिकॉज ऑफ बिजनेस कनेक्शन। फाइनेंस एक्ट 20 ने कहा हम सेफ हार्बर रूल्स बना देंगे। फाइनेंस एक्ट 20 ने कहा हम सेफ हार्बर रूल्स बना देंगे कि ये रूल्स फॉलो करके अगर आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, मान लेंगे जो आपने बात बोल दी। तो यह अमेंडमेंट आई है फाइनेंस एक्ट 20 से कि सेफ हार्बर रूल्स बनाए जाएंगे इवन फॉर कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एट्रिब्यूटेबल टू परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया। प्रॉफिट्स एट्रिब्यूटेबल टू दिस पी इन इंडिया, तो वो कैसे निकाला जाएगा, उसके भी रूल बन जाएंगे। अभी तक रूल आए नहीं है। सो यू अंडरस्टैंड व्हाई मैं चैप्टर ऑफ सेफ हार्बर रूल्स आपको नहीं करा रहा। आइए, सो सेक्शन 911 में लिखा है कि अगर एनआर, सुनिए प्लीज, कि ऑपरेशंस पार्टली इंडिया में है और पार्टली बाहर है, तो जो इंडियन ऑपरेशंस है पार्टली इंडिया में, उनकी इनकम इंडिया में टैक्स होगी, उसके भी लिए भी क्या निकालेंगे हम, सेफ हार्बर रूल। कि अपने वर्ल्ड वाइड टर्नओवर की इतनी इनकम दिखा दीजिए, हम मान लेंगे सही इनकम दिखाई है, क्वेश्चन नहीं करेंगे आपको। पावर ऑफ द बोर्ड टू मेक सेफ हार्बर रूल्स।
The determination of income referred in section 911, that is, determination of income of non-resident under 911 attributable to operations carried out in India or operations or profit attributable to PE located in India या फिर आर्म लेंथ प्राइस जो 92 सी और सी में निकालते हैं दैट बी सब्जेक्ट टू सेफ हार्बर रूल्स. बोर्ड सेफ हार्बर रूल्स बनाएगा. सेफ हार्बर रूल्स क्या होते हैं? मींस द सर्कमस्टांसेस इन विच क्या इनकम टैक्स अथॉरिटी शैल एक्सेप्ट द ट्रांसफर प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी और द इनकम डीम टू अक्रू अराइज इन इंडिया अंडर सेक्शन 911 डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी. तो अगर आपने सेफ हार्बर रूल फॉलो किया, जैसे कि 17% ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखाएंगे, अगर 17% या मोर दिखाया है तो क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे. एओ इज बाउंड टू एक्सेप्ट दैट. क्लियर? ओके. 92 डी हम कर चुके हैं. पीएस 208 टीपी की रिपोर्ट देनी होती है आपको. कब तक देनी होती है? 31 अक्टूबर तक देनी होती है. फाइनेंस एक्ट 20 ने अमेंडमेंट किए हैं कि जहां भी रिपोर्ट्स देनी है आपको ड्यू डेट के एक महीने पहले देंगे ताकि प्री फिलिंग द रिटर्न्स हो जाएंगे. So, report from an accountant to be furnished by the persons entering into international transaction or specific domestic transaction. Every person who has entered into an international transaction or specified domestic transaction during the previous year shall obtain a report from a CA and furnish this report within 1 month. Report 1 month prior to the due date of filing of return of income, that is 30th November. यानी कब तक सबमिट करनी है आपको? ये 31 अक्टूबर तक सबमिट करनी है आपने. और रिपोर्ट ना देने की पेनल्टी 1,00,000 रुपया है. लोग कहते थे बेस्ट है रिपोर्ट ही मत दो. लोग कहते थे रिपोर्ट ही नहीं देते. 1,00,000 लगा लेंगे, लगा लो. हमारी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ढूंढ ही नहीं पाएंगे ये लोग, क्योंकि बेसिस तो हमारा रिपोर्ट होता है ना एओ के लिए टू फाइंड द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. देते नहीं हम रिपोर्ट, रिपोर्ट गलत दे देते हैं, ट्रांजैक्शन 2-3 उड़ा देते हैं. हमने पेनल्टी में पढ़ा था 271J, सीए अगर रॉन्ग रिपोर्ट देता है 10,000 की पेनल्टी है, दे देगा सीए. सीए की ऑडिट फीस 10,00,000 कर दूंगा इस बार. So, इन्होंने पेनल्टी का लॉ चेंज किया, कहा कि अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट नहीं दी या ऑडिट रिपोर्ट में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं दिखाई, तो जितनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दिखानी चाहिए थी आपने नहीं दिखाई आपने या रिपोर्ट नहीं दी, उन ट्रांजैक्शंस का एएलपी निकालेंगे, 2% इज द पेनल्टी. हार्श पेनल्टी. यानी 400 करोड़ की ट्रांजैक्शन थी जो आपने रिपोर्ट नहीं की, ठीक है पेनल्टी 1,00,000 की तो है नॉन फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट, बट ट्रांजैक्शंस ना दिखाने पर 8 करोड़ की पेनल्टी आपके ऊपर. पेनल्टी करेंगे आज ही, थोड़ी देर बाद करेंगे. ये वाली रिपोर्ट होती है बस. टीपी स्टडी तो बेसिकली
देखिए जो रिपोर्ट बनाएगा उसे टीपी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तो प्रैक्टिकल हम बोलते हैं जिसको टीपी स्टडी की हुई है जिसने वही रिपोर्ट बना पाएगा, ये होता है। पेज 209 सुनिए, टीपी की लिटिगेशन से सब परेशान हो गए थे, सेफ हार्बर रूल लाए गए, बट आपने सेफ हार्बर रूल में देखा सारी इंडस्ट्रीज कवर्ड नहीं है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस तरह की बातें हैं, सारी इंडस्ट्रीज कवर्ड नहीं है, और इवन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में देखा अप टू 200 करोड़ टर्नओवर वाले कवर्ड है। इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट से कहा हम लिटिगेशन से परेशान आ गए हैं, हर केस में एडिशंस हो रही हैं, गवर्नमेंट का नया लॉ बनाते हैं आपके लिए, असेसी सीबीडीटी आपस में बैठ जाते हैं और एक एग्रीमेंट कर लेते हैं 5 साल के लिए जिसमें फिक्स कर देते हैं कि आपका जो प्राइस जिस पे आप एक्सपोर्ट करेंगे फॉरनर को वो होगा 1000 रुपीज, टू बी इंक्रीज्ड 10% एवरी ईयर, मिलके तय कर लेते हैं। सो नया लॉ लाया गया जहां कोई लिटिगेशन नहीं होगी, असेसी फाइनेंस मिनिस्ट्री साथ बैठ जाते हैं, डिसाइड करते हैं कि अगले 5 साल प्राइस ये रहेगा, या फिर मेथड बता देते हैं कि ये मेथड यूज करके ये प्राइस निकालना चाहेगा। ये मेथड 6 मेथड्स भी हो सकते हैं, कोई और मेथड भी हो सकता है, या 6 मेथड्स की मॉडिफिकेशन करके भी हो सकता है। प्राइस फिक्स हो गया, फॉलो करिए खत्म, लिटिगेशन का सोप ही नहीं रहा। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स APAs। सो आज बहुत सारे असेसेस ने APAs एंटर कर लिए हैं और APAs में गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री और असेसी मिलकर आपका अपना प्राइस फिक्स कर देते हैं कि इस प्राइस पर एसोसिएट एंटरप्राइज को एक्सपोर्ट करेंगे या इस प्राइस पर एसोसिएट एंटरप्राइज इंपोर्ट करेंगे। हम उसे प्राइस इस तरह फिक्स कर सकते हैं 1000 रुपीज पर प्रोडक्ट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड एवरी ईयर द प्राइस इंक्रीज बाय 10% डिक्रीज बाय 10% जो भी है, या फिर मेथड फिक्स कर लेंगे कि 1 of the 6 methods इससे निकालेंगे हम, या फिर कहेंगे इन 6 methods में ये मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, या फिर कोई नया मेथड बना लेंगे कि इस तरह से प्राइस फिक्स किया जाएगा। ठीक, और अब ये प्राइस असेसी भी फॉलो करेगा, डिपार्टमेंट भी इससे बाउंड हो जाएगा, लिटिगेशन खत्म। अच्छा, APA एंटर करने में टाइम लग जाएगा आपको, ये तो है नहीं आप गए गवर्नमेंट ने कहा हेलो हाय प्राइस फिक्स कर दिया आपसे, वो तो पूरा आपका स्टडी करेंगे कि किस तरह से आप प्राइस निकालते हैं, वर्ल्ड वाइड प्राइस क्या होते हैं, वो सब निकाल में टाइम लग जाएगा। हो सकता है जिस साल के लिए आप APA एंटर कर रहे हैं उसकी ड्यू डेट आ गई है और आप रिटर्न फाइल कर पाए, करना मैंडेटरी है आपको, आपने रिटर्न फाइल कर दी, रिटर्न फाइल होने के बाद APA एंटर हुआ, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए फिर? कोशिश करिए ना,
लॉ कहेगा कि अब असेसी मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर देगा इन अकॉर्डेंस विद एपीए। ठीक है, अगर असेसमेंट कंप्लीट हो चुकी है असेसी की, देन असेसमेंट को मॉडिफाई कर देगा एओ इन अकॉर्डेंस विद एपीए। कुछ भी नहीं है ये, देखिए एपीएस में पहले बहुत ऊपर ऊपर से कराता था, 15 मिनट में खत्म कर देता था और कहता था इसे पेपर 6C में करेंगे। बट पिछले 3-1 साल से इन्होंने एपीएस पे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए, अच्छे क्वेश्चंस। तभी मैंने पेपर 6C का 50% से ऊपर डिस्कशन यहां शिफ्ट कर लिया है। 50% अभी वहीं पर ही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यूज हैं, बट जो इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट कर रही है वो सब मैंने यहां शिफ्ट कर लिया है। एपीए सपोज आपने 1-4, अच्छा एपीए मैक्सिमम 5 साल के लिए एंटर हो सकता है, एपीए मैक्सिमम 5 साल के लिए एंटर हो सकता है, यानी 1-4-20 से लेकर 21, 22, 23, 24, 25। ठीक, अरुण जेटली ने बहुत रिफॉर्म्स किए। अरुण जेटली को बोला गया कि देखिए आपने ये 5 साल की तो लिटिगेशन खत्म कर दी बट पुरानी भी तो चल रही हैं, हमने एपीए तो यहां एंटर किया है ना, तो पुराने केसेस भी तो लिटिगेशन में चल रहे हैं और वहां भी सेम ट्रांजैक्शंस हैं। अरुण जेटली ने कहा हम चलिए आपको रोल बैक अलाउ करते हैं, हम इस एपीए को एक्सटेंड कर देंगे पिछले 4 साल के लिए भी, इस एपीए को हम एक्सटेंड कर देंगे पिछले 4 साल के लिए, यानी 31 मार्च 2019, 18, 17 इस पर भी हम यही एपीए लगा देंगे, सिग्नेचर कर लेते हैं, एग्रीमेंट में सिग्नेचर कर लेते हैं कि एपीए 5 साल के लिए बट रोल बैक हम आपको अलाउ करें 4 साल के लिए, रोल बैक बोलते हैं, रोल बैक। स्टार्ट करें, ऊपर ऊपर से समझ में आ गया। पेज 209, सेक्शन 92CCAPA, क्लॉज बी इज द अमेंडमेंट बाय द फाइनेंस एक्ट 20। द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मे एंटर इंटू अ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट विद एनी पर्सन डिटर्मिनिंग द आर्म लेंथ प्राइस या फिर स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच आर्म लेंथ प्राइस टू बी डिटर्मिंड इन रिलेशन टू एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टू बी एंटर इंटू बाय दैट पर्सन फॉर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन नो एपीए। फॉर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन देयर कैन बी नो एपीए, लिख लीजिएगा, नो एपीए फॉर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। नो एपीए फॉर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मे एंटर इंटू एन एग्रीमेंट इंटू एन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट विद एनी पर्सन डिटर्मिनिंग द आर्म लेंथ प्राइस और स्पेसिफिंग द मैनर इन विच आर्म लेंथ प्राइस टू बी डिटर्मिंड इन रिलेशन टू एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन टू बी एंटर्ड इंटू बाय दैट पर्सन। नंबर टू अमेंडमेंट आ गई फाइनेंस एक्ट 20 की, क्या करने के लिए, एपीए किससे एंटर करेंगे, एनआर से। उसमें क्या बताया जाएगा
कि आप जो इंडिया में ऑपरेशंस कर रहे हैं, पार्टली इंडिया पार्टली बाहर, या बिजनेस कनेक्शन इंडिया में, उसकी इनकम कैसे कंप्यूट की जाएगी। इनकम रेफर्ड इन 911 और स्पेसिफिक द मैनर इन विच द सेट इनकम इज टू बी डिटरमाइंड एज इज रीजनेबली एट्रिब्यूटेबल टू ऑपरेशंस कैरिड आउट इन इंडिया बाय द नॉन रेजिडेंट और इज एट्रिब्यूटेबल टू पी ऑफ द नॉन रेजिडेंट लोकेटेड इन इंडिया। नंबर टू, बताइए एपीए में क्या 6 मेथड्स फॉलो करना मैंडेटरी है? कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या 6 मेथड्स को मॉडिफाई कर सकते हैं? यस। क्या कोई अपना और मेथड यूज कर सकते हैं? यस। द मैनर ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ आर्मलेंथ प्राइस रेफर्ड इन क्लॉज ए और इनकम रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 मे इंक्लूड द मेथड्स रेफर्ड इन सेक्शन 92(c)(1) और द मेथड्स प्रोवाइडेड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट रेस्पेक्टिवली विथ सच एडजस्टमेंट वेरिएशंस एज मे बी नेसेसरी और एक्सपीडियंट टू डू सो। और कंपल्सरी नहीं है, इट इज मे, यानी कोई और मेथड भी यूज कर सकते हैं। बताइए 3, हम 92(c) और 92(c)(a) को ओवररूल करते हैं। सीए क्या होता है? रेफरेंस टू टीपीओ। 92(c) होता है जहां एओ एएलपी निकालता है, दोनों की पावर खत्म करते हैं अगर प्राइस निकाला गया है एज पर एपी। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 92(c) 92(c)(a) और एनी मेथड प्रोवाइडेड बाय रूल्स अंडर दिस एक्ट द आर्मलेंथ प्राइस ऑफ एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और द इनकम रेफर्ड इन क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 इन रिस्पेक्ट ऑफ विच एपी हैज बीन एंटर्ड इनटू शैल बी डिटरमाइंड इन अकॉर्डेंस विद द एपीएस सो एंटर्ड। यानी एओ अब अपना आर्मलेंथ प्राइस नहीं निकाल सकता, एओ केस टीपीओ को रेफर नहीं कर सकता, आपकी इनकम निकाली जाएगी एज पर द प्राइस डिसाइडेड इन एपी। 4, ये एग्रीमेंट मैक्सिमम कितने साल के लिए किया जाएगा? 5 साल। द एग्रीमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल बी वैलिड फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 5 कंसेक्यूटिव प्रीवियस ईयर्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट। 5, बताइए एपीए किस पर बाइंडिंग होगा? असेसी पर, डिपार्टमेंट पर। डिपार्टमेंट कौन हुआ? एओ, सीआईटी, सीआईटीपीएस वगैरह। द एपीए एंटर्ड इन टू शैल बी बाइंडिंग ऑन द पर्सन इन हूज केस एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन इन रिलेशन टू विच एग्रीमेंट हैज बीन एंटर्ड इन टू। जिस पर्सन के लिए एपी एंटर्ड है उस पर बाइंडिंग है, जिस ट्रांजेक्शन के लिए उस पर बाइंडिंग है, एंड ऑन द सीआईटी एंड द इनकम टैक्स अथॉरिटी सबॉर्डिनेट टू हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेट पर्सन एंड द सेट ट्रांजेक्शन। तो असेसी बाउंड है और असेसी की जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है ईओ सीआईटी, वो उससे बाउंड है। अगर जिस लॉ के बेसिस पर एपीए लिया गया था वो लॉ चेंज हो जाता है या फैक्ट्स चेंज हो जाते हैं तो एपीए बाइंडिंग नहीं रहेगा। द एग्रीमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन 1 शैल नॉट बी बाइंडिंग इफ देयर इज अ चेंज इन लॉ और फैक्ट्स हैविंग अ बियरिंग ऑन द एग्रीमेंट सो एंटर्ड। दोबारा बोलिए। पहले जो आपने बताया था एग्जांपल में कि 1000 प्राइस डिसाइड हो गया, बट कोविड की वजह से तो प्राइस पर
जश्न का क्वेश्चन है कि डिसाइड किया गया कि इंडियन एसोसिएट एंटरप्राइज फॉरनर को गुड्स बेचेगी 200 रुपीज के हिसाब से एज पर एपीए। कोविड आ गया, कोविड में माल बिक ही नहीं रहा किसी का, और जो माल बिक रहा है 25% प्राइस पे बिक रहा है, इसलिए अब मुझे फॉरनर को बड़े सस्ते प्राइस पे बेचनी पड़ेगी। इस पर पूरे रूल्स बने हुए हैं, यहां फैक्ट्स चेंज हो गए, यहां फैक्ट्स चेंज हो गए। तो जब फैक्ट्स चेंज होते हैं फिर नहीं, फिर लॉ बताता है किस तरह से आगे प्रोसीड करेंगे। गवर्नमेंट को दोबारा बैठना पड़ेगा, ये बातें करेंगे, हो सकता है मॉडिफाई करें या फिर कहेंगे छोड़िए कैंसिल करते हैं, इस तरह की बातें। लॉ में पूरे रूल्स बने हुए हैं जो 60 में दिए हुए हैं सारे, ठीक है, जहां गवर्नमेंट भी ऑप्ट आउट कर सकती है, असेसी भी ऑप्ट आउट कर सकता है अगर फैक्ट्स चेंज हो जाते। देखिए दिक्कत यही है, इतना बड़ा कोर्स है, मुझे कहीं तो लिमिट लगानी है। अगर मैं एपीए में, आप देखेंगे जब पेपर 60 करेंगे एपीए में, हमारे 2 लेक्चर पूरे लग जाएंगे इसके अलावा भी। द बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एन ऑर्डर डिक्लेयर एन एग्रीमेंट टू बी वॉइड एब इनिशियो इफ इट फाइंड्स दैट एग्रीमेंट इज नॉट ऑब्टेन्ड बाय द पर्सन बाय फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स। अगर फ्रॉड से आपने एपी एंटर किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन से किया है, तो बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेकर इसको वॉइड डिक्लेयर कर देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल इसलिए ली जा रही है बिकॉज आपने एपी एंटर किया था विद अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अपॉन डिक्लेयरिंग ऑफ द एग्रीमेंट एज वॉइड एब इनिशियो क्या होगा बताइए? All provisions of this act will apply to the person as if such agreement has never been entered into, and notwithstanding anything contained in this act, जो time periods हैं वो कब से कब तक बढ़ जाएंगी? जब से आपने agreement बनाया था और जिस दिन ये agreement void declare किया गया। अपॉन डिक्लेयरिंग द एग्रीमेंट टू बी वॉइड एब इनिशियो ऑल प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल अप्लाई टू द पर्सन एज इफ सच एग्रीमेंट हैज नेवर बीन एंटर्ड इनटू एंड नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट for purpose of computing the time periods of limitation under this act, the period beginning from the date such agreement was entered into and the date jisme ye void declare kiya gaya wo time periods bada denge hum 8। board scheme layegi, batayegi kaun se form bhare jayenge, kya procedure follow kiya jayega apa enter karne mein, ये सब कुछ पेपर 60 में करना होता है। रोल बैक, रोल बैक। मैंने क्या बताया तुमको रोल बैक क्या होता है? पिच पेंडिंग नहीं, पेंडिंग नहीं, पेंडिंग नहीं, पेंडिंग नहीं, पेंडिंग नहीं। जो मेरा एपीए का एग्रीमेंट है, जिस पीरियड के लिए एग्रीमेंट है, उसके पिछले 4 साल बाद, पिछले 4 साल भी मैं एपीए ले सकता हूं।
और अगर आपने कहा मुझे एपीए चाहिए, गवर्नमेंट एग्रीमेंट में लिख दी हम रोल बैक दे रहे हैं आपको, फिर आपको चारों साल के लिए एपीए लेना मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक, रोल बैक प्रोविजंस। मत लीजिए, अगर पिछले चार साल के केस लिटिगेशन में नहीं है, डोंट गो फॉर द एपीए रोल बैक। रोल बैक कौन जाना चाहेगा जिसके केसेस लिटिगेशन में है? ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि दो साल लिटिगेशन में नहीं है तो आप कहेंगे मैं लिटिगेशन वाले में जाना चाहता हूं, चारों लीजिए या फिर कोई भी मत लीजिए। द एग्रीमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन वन में सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस प्रोसीजर एंड मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब प्रोवाइड फॉर डिटर्मिनिंग द आर्म लेंथ प्राइस और स्पेसिफाई द मैनर इन विच आर्म लेंथ प्राइस शैल बी डिटर्मिन्ड इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय पर्सन या इनकम जो हमने की थी 9(1) वाली ड्यूरिंग एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग, नेक्स्ट पैरा पढ़िए ना, ड्यूरिंग एनी पीरियड नॉट एक्सीडिंग 4 प्रीवियस ईयर्स प्रीसीडिंग द फर्स्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 4 एंड द आर्म लेंथ प्राइस ऑफ सच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और द इनकम ऑफ सच पर्सन 9(1)(1) वाली शैल बी डिटरमिन इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट ओनली। तो आप चाहें तो एपीए का रोल बैक ले सकते हैं और रोल बैक प्रोविजन एग्रीमेंट में डाली जाएगी आपकी और रोल बैक आपको लेना पड़ेगा 4 साल का। अब कुछ बातें सुन लीजिए, मैं पहले यहीं तक करा के छोड़ देता था, अब आगे लॉ बहुत सारा है जो मुझे आपके लिए रेलेवेंट लग रहा है वो करा रहा हूं। सुनिए प्लीज, ये जो रोल बैक ईयर्स है ना 4 साल, ये जो मेरे 4 रोल बैक ईयर्स है ना 1, 2, 3, 4, कंडीशन है कि इनकी रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल होनी चाहिए थी। इनके रिटर्न ड्यू डेट पर फाइल होनी चाहिए थी। कंडीशन है, ये केसेस डिसाइड नहीं होने चाहिए बाय आईटीएट। क्यों? आईटीएटी इज द फाइनल फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी और आपका प्राइस कितना होना चाहिए क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है? फैक्ट है। जब हाईएस्ट अथॉरिटी ने डिटरमिन कर दिया, देयरफॉर नाउ फॉर दैट ईयर रोल बैक इज नॉट पॉसिबल। ऐसी और भी चीज है, बट आपको सिर्फ ये कर लीजिए कि रोल बैक ईयर्स जो हैं उनके लिए रोल बैक तभी ले सकते हैं अगर रोल बैक ईयर्स के रिटर्न आपने ड्यू डेट पे फाइल किए हैं। दैट केस शुड नॉट बी डिसाइडेड बाय द आईटीएटी। अब फिर बातें आएंगी किस दिन डिसाइड नहीं होना चाहिए, वो सब छोड़ते हैं, ये लॉ है सारा वो छोड़ते हैं प्लीज, क्योंकि अभी टीपी में बहुत सारे इश्यूज और बचे हुए हैं। एनजीए बचा हुआ है, लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट बचा हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी एडजस्टमेंट बचा हुआ है, सो लिमिट करना पड़ेगा मुझे। आप लॉ कहेगा अच्छा, एक ना सीबीडीटी ने क्वेश्चन आंसर्स निकाले एपीए पर, 18 क्वेश्चन आंसर्स, उनमें से करा देता हूं 2-3 क्वेश्चन। क्या एपीए आप किसी भी साल के लिए ले सकते हैं या 4 साल के लिए लेना मैंडेटरी है? 4 साल के लिए लेना मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट अगर ये ईयर डिफॉल्ट ईयर है,
डिफॉल्ट ईयर इन द सेंस इसकी रिटर्न ड्यू डेट पे नहीं फाइल की गई, तो क्या मैं एपीए किसी के लिए भी नहीं ले पाऊंगा? बोर्ड के अंदर ले सकते हैं, डिफॉल्ट ईयर के लिए मिलेगा नहीं आपको, 3 साल के लिए लेना मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए। तो लेंगे 4 साल के लिए ही या मत लीजिए, लेंगे अब इसमें से कोई डिफॉल्ट ईयर है, डिफॉल्ट ईयर क्या होता है, जिसकी ड्यू डेट पे फाइल नहीं किया आपने, जिसका केस आईटीटी से डिसाइड हो गया, उसके लिए आपको रोल बैक मिल ही नहीं सकता, हमने लॉ में लिख दिया। बाकी 3 के लिए ले लीजिए। वो तो अभी देखेंगे, अब एओ ऑर्डर कैसे बनाएगा ये देखेंगे अभी हम। बट इशू ये है कि अगर लॉ कहता है इन पर एपीए लगाया जाएगा, अगर आपने ऑप्ट कर लिया, अब ईयर 4 की रिटर्न इनकम थी 100 करोड़, एपीए लगाना चाहिए थी 90 करोड़, देन बोर्ड ने क्लैरिफाई किया कि टीपी के चार्जिंग सेक्शन में लिखा हुआ हमने कि इनकम कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बिलो द रिटर्न इनकम। कौन सा पेज कर रहे थे हम? पेज 210। Therefore, if APA is entered for the period 1/4/21 to 31st March 2026, 5 साल हो गए, the assessee can offer rollback for the period 1/4/17 to 31st March 2021, 4 साल, that is APA shall also apply for the preceding 4 previous years। ये APA agreement में लिखवाना पड़ता है आपको। CBDT has clarified that if assessee wants to have a benefit of rollback, then he has to mandatorily apply for the rollback for all the preceding 4 previous years. Assessee cannot say he wants rollback only for 1 or 2 preceding years. He has to either offer none or for all of the 4 preceding previous years for rollback. हाँ, अगर default year है उसलिए rollback मिलेगा ही नहीं आपको। बैलेंस ब्रेक की बात करते हैं। कैन यू प्लीज स्टार्ट द क्लास? पेज 210 पर आइए, 210। रोल बैक क्लैरिफिकेशन फ्रॉम सीबीडीटी। मैं आपको 6 क्लैरिफिकेशन करा रहा हूं, ऑल दो 18 क्लैरिफिकेशन हैं इस पर। Assessee rollback is possible only for those previous years whose return was filed by the due date under section 139(1). Assessee has to apply for rollback for all the years or not apply at all. However, if there is a disqualification in the rollback year, then rollback will be less for less than 4 years. That is, rollback will not be there for the previous year in which there is a disqualification. Rollback is not possible for a year for which order has been passed by the ITAT. Reason? ये तो final fact finding authority है। अगर उसने अपना order दे दिया है, यानी ALP फाइनल हो गया। 4, एप्लीकेशन ऑफ रोल बैक कैन नॉट रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ इनकम बिलो द रिटर्न इनकम इन द रोल बैक ईयर। इफ रिटर्न इनकम इज 100 लाख, टीपीओ ने एडजस्टमेंट करके 120 लाख कर दी और एप्लीकेशन ऑफ रोल बैक रिजल्ट इन इनकम ऑफ 90 लाख, देन 100 लाख इनकम शैल बी टेकन फॉर द रोल बैक ईयर। यहां पे वो स्कोप हुआ उसके पास, उसके पास रिटर्न रिवाइज करने का, वहां
एक मिनट, आप कह रहे हैं कि रिटर्न फाइल नहीं हुई अभी तक, थोड़ा सा वेट करिए, शायद आपका आंसर भी आ जाएंगे सारे। फाइव इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ अमलगमेशन मर्जर द पर्सन हु मेक्स एपीए एप्लीकेशन वुड ओनली बी एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट, कौन सा एग्रीमेंट, एंड बी एंटाइटल्ड फॉर द रोल बैक प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अंडरटेकन बाय इट इन द रोल बैक ईयर्स, अदर पर्सन कंपनीज हु हैव मर्ज्ड विद दिस पर्सन वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर रोल बैक प्रोविजंस। क्या मतलब हुआ, नहीं, इन केस ऑफ अ मर्जर यानी अमलगमेटिंग कंपनी, कंपनी ए और बी कंपनी सी में अमलगमेट हो रही है, ये तीनों एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, ये इसमें अमलगमेट हो रही है, फिर अगर सी ने एपीए लिया हुआ है तो मर्ज के बाद भी सी रोल बैक ले सकता है, बिकॉज एपीए वॉज एंटर्ड बाय सी। अगर ए बी मिलकर नई कंपनी बनाते हैं सी, फिर नहीं मिलेगा, बिकॉज ए बी ने रोल एपीए लिया होगा, वो तो खत्म हो गई। सो यहां कह रहे हैं इन केस ऑफ मर्जर द कंपनी हु मेक्स एपीए एप्लीकेशन वुड ओनली बी एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू एपीए and will be entitled for the rollback provisions in respect of international transaction undertaken by it in the rollback years. Other persons जो उसमें merge हुई हैं, उनको rollback नहीं मिलेगा। A, B merge करती है कंपनी C के साथ, और C क्या है? APA ले चुका है, applicant है। Then rollback agreement can only be entered into with C. And only C will be eligible for rollback provisions. A, B would not be eligible for rollback provisions because उन्होंने तो APA किया ही नहीं था। यानी जो transactions है C की, उनके लिए rollback हो सकता है? A भी तो खत्म हो गए ना। यानी जो C की transactions है rollback years की, उनके लिए ही rollback मिलेगा C को? To illustrate further, if A, B merge to form a new company C, or C अब AP applicant है, then nobody would be eligible for rollback provisions because company C तो नहीं बनी है। Clear है? The same principle would apply in case of demerger, that is the person who makes the AP application or enters into APA would only be entitled to rollback provisions. For example, A has applied for or entered into APA and subsequently demerges into AB, then A will be eligible for rollback for international transactions covered by the APA. Since B was not in existence in the rollback years, B ko rollback ka baat hi nahi uthegi. Ab effect of APA. नहीं, सेम लगेगा ना, सेम ना लगेगा ये भी। देखिए, मैंने आपसे कहा ना एपीए पे हमें दो लेक्चर और लगाने पेपर सिक्स सी में,
आई हैव टू पुट अ फुल स्टॉप समवेयर। आप सोचिए लास्ट डे आपकी क्या हालत हो रही होगी, इतना लंबा कोर्स है, आपको लगेगा ये भी छोड़ू ये भी छोड़ू। इफेक्ट ऑफ एपीए, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्री कंटेन इन सेक्शन 139, हम रिवाइज रिटर्न वगैरह सब कुछ ओवररूल करते हैं। तभी चंद्रास में आपकी क्वेरी आंसर नहीं कर रहा था, आप रिवाइज रिटर्न की बात कर रहे थे, मैं बार बार इग्नोर कर रहा था बिकॉज 92 सीडी कहता है ओवररूलिंग सेक्शन 139 वेयर एनी पर्सन हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट एंड प्रायर टू द डेट ऑफ द एंटरिंग द एग्रीमेंट एनी रिटर्न ऑफ इनकम हैज बीन फर्निश्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ 139 फॉर एनी असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर टू विच द एग्रीमेंट अप्लाइज। तो सीबीडीटी ने एपीए एंटर करने में देर कर दी और जिस पीरियड के लिए एपीए एंटर कर रहे हैं उस प्रीवियस ईयर की रिटर्न आप ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं। देन सच पर्सन शैल फर्निश, अब आपको 3 महीने के अंदर रिटर्न फर्निश करनी पड़ेगी एज पर एपीए। 3 महीने कहां से गिने जाएंगे? एंड ऑफ द मंथ इन विच एपीए वॉज एंटर्ड इन टू। Then such person shall furnish within a period of 3 months from the end of the month in which said agreement was entered into a modified return in accordance with and limited to the agreement। यानी इस modified return में आप सिर्फ क्या करेंगे? APA का effect ही देंगे बस, और कुछ change नहीं करेंगे। और कुछ change करना है revised return file करिए आप, और कुछ चेंज करना है देन फॉलो रिवाइज रिटर्न पैटर्न। बट आप जिस पीरियड के लिए एपी एंटर कर रहे हैं उसकी ड्यू डेट पर आपने रिटर्न फाइल कर दी और रिटर्न फाइल होने के बाद एपीए साइन हुआ, अब उस प्रीवियस ईयर के लिए आप मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करेंगे विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच एपी वॉज एंटर्ड इन टू। और मॉडिफाइड रिटर्न में लिमिट करेंगे अपने आप को, सिर्फ एएलपी चेंज करेंगे एज पर द एपीए। सीवेस अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन ऑल अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्शन अप्लाई अकॉर्डिंगली एज इफ द मॉडिफाइड रिटर्न इज रिटर्न फर्निश अंडर सेक्शन 139। और हम ये मानेंगे ये रिटर्न 139 में फाइल हुई है और जो पूरा एक्ट कहता है वो लगता रहेगा यहां पर, ये रिटर्न स्क्रूटनी में आ सकती है, ऑल दोस थिंग्स। इफ द असेसमेंट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स फॉर एन असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू अ प्रीवियस ईयर to which agreement applies have been completed before the expiry of the period allowed for furnishing the modified return under subsection 1. क्या मतलब हुआ? Modified return file करने से पहले AO क्या कर चुका है? अपनी assessment complete कर चुका है। आगे मत पढ़िएगा। अब असेसी मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करेगा, एओ क्या करेगा? एओ असेसमेंट कंप्लीट कर चुका है, असेसमेंट कंप्लीट कर चुका है। 154 में तो अपने मिस्टेक ठीक होती है, यहां तो प्राइस लगाकर पूरी इनकम वगैरह निकाली जाएंगी। एओ अपनी असेसमेंट चेंज करेगा। पहले लॉ में लिखा था कि एओ इनकम दोबारा से असेस रीअसेस करेगा। पहले लॉ में लिखा था कि अगर मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करने से पहले ही एओ असेसमेंट कंप्लीट कर चुका है
तो एओ अब आपकी इनकम असेस रीअसेस करेगा और बताइए क्या देखा गया होगा इस केस में, क्या होता होगा। लॉ मेकर्स चाहेंगे कि एओ अपनी असेसमेंट चेंज करे एज पर एपीए, बट एओ पूरी इनकम दोबारा से असेस करने बैठ जाते थे कि ये एक्सपेंस और डिसला होगा, ये डिसला होगा, ये डिसला होगा, पूरी असेसमेंट दोबारा खोल दी। फाइनेंस एक्ट 90 ने यहां चेंज किया। फाइनेंस एक्ट 90 ने कहा कि एओ अपनी इनकम दोबारा से असेस रीअसेस नहीं करेगा, बट क्या करेगा, असेसमेंट चेंज करेगा एज पर द एपीए। सिर्फ एपीए का इफेक्ट देगा असेसमेंट ऑर्डर में। इफ द असेसमेंट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स फॉर एन असेसमेंट ईयर relevant to a previous year to which agreement applies have been completed before the expiry of the period allowed for furnishing the modified return under subsection 1, the AO shall, in case where a modified return is filed in accordance with provisions of subsection 1, pehle likha tha proceed to assess, reassess, recompute the total income, ye kaat diya gaya, of the relevant previous year. Aur jab ye likha hua tha tab dekha gaya ki AO दोबारा से पूरी इनकम निकालने बैठ जाते थे। इन्होंने कहा कि एओ दोबारा से असेस नहीं करेगा, क्या करेगा, पास अ ऑर्डर मॉडिफाइंग द टोटल इनकम ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर डिटरमिन्ड इन सच असेसमेंट रीअसेसमेंट एज अ केस में बी हैविंग रिगार्ड टू एंड इन अकॉर्डेंस विद द एपी। अभी देखते हैं सब कुछ, सब कुछ एग्जांपल के थ्रू करेंगे। सो एओ 92 सीडी में मॉडिफिकेशन ऑर्डर पास करेगा, एओ 92 सीडी में मॉडिफिकेशन ऑर्डर पास करेगा। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्लेरिफिकेशन विद रिगार्ड टू पावर ऑफ एओ इन रिस्पेक्ट ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न ऑफ इनकम filed personal to signing of APA, section 92, पहले में तो law brief कर रहे हैं, next para, in order to give effect to APA, section 92 CD also provides for mechanism including filing of modified return by the taxpayer, manner of completion of assessment by the AO, having regard to the terms of the APA. Subsection 3 of this section deals with the situation where assessment reassessment has already been completed before the expiry of the time allowed for filing the modified return. Apprehensions have been expressed stating that due to the use of the words assess, reassess, recompute, the AO may start fresh assessment reassessment in respect of completed assessments or reassessments of the assessees who have modified the returns of income in accordance with APA entered into by them, while the intention of the legislature is for the EO to merely modify the total income consequent to modification of return of income in persons of APA. It is therefore proposed to amend subsection 3 of section 92 CD to clarify that in cases where assessment reassessment has already been completed and modified return of income has been filed by the taxpayer under subsection 1 of the said section, the AO shall pass an order modifying the total income of the relevant assessment year, determined in assessment reassessment, having regard to and in accordance with the APA. Wapis aaiye. Subsection 4 dekhiyega. Page 212. Where assessment reassessment proceeding for an assessment year relevant to the previous year in which agreement applies are pending on the date of filing the modified return in accordance with provision of subsection 1, the AO shall proceed to complete the assessment reassessment proceeding in accordance with the agreement, taking into consideration the modified return so furnished. Kuch khas nahi hai isme to. Notwithstanding anything contained in 153 time limits, 153B time limits,
144C DRP time limits. An order under subsection 3 shall be passed within a period of 1 year from the end of the financial year in which modified return under subsection 1 is furnished. क्या मतलब हुआ? सबसेक्शन 3 क्या था? सबसेक्शन 3 क्या था? असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका एओ बिफोर द मॉडिफाइड रिटर्न, तो अपना मॉडिफाइड ऑर्डर पास करेगा. मॉडिफाइड ऑर्डर कब तक पास करना है? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल की है. नंबर बी, बाकी केसेस में द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एज प्रोवाइडेड इन 153B 144C फॉर कंप्लीटिंग द पेंडिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट प्रोसीडिंग्स रेफर्ड इन सबसेक्शन 4 शैल बी एक्सटेंडेड बाय अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. तो पेंडिंग असेसमेंट्स में क्या करेंगे हम? 12 मंथ्स पीरियड एक्सटेंड कर देंगे. एक काम करिए, सबसेक्शन 5 में दो जगह 153B लिखा वो काट दीजिए, 153B काट दीजिए वाला, और यहां भी 153B काट दीजिए. एनालिसिस देखिए, एनालिसिस बहुत अच्छा बना हुआ है. नहीं, इसमें 154 हो जाएगा. असेसी पेज 213, असेसी हिंदुस्तान लिवर है, एपी के लिए एप्लीकेशन देता है सीबीडीटी को ऑन 10th July 2020 फॉर डिटरमिनिंग द आर्म्स प्राइस ऑफ रॉयल्टी जो वो पे करता है किसको? यूनिलिवर यूके को. एप्लीकेशन इज मेड टू डिटरमिन द एएलपी फॉर प्रीवियस ईयर 20 टू प्रीवियस ईयर 31st March 2024. द एग्रीमेंट कैन नॉट बी फॉर मोर देन 5 कंजेक्टिव प्रीवियस ईयर्स एज स्पेसिफाइड इन द एग्रीमेंट. 5 साल के लिए मूव किया है मैंने. इट मे बी नोटेड एट एपीए कैन नॉट बी एंटर्ड फॉर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शंस. It can be entered only for international transaction. The CBDT signs the agreement on 1/9/21. Date nikal gayi. Date nikal gayi na? Kiski date nikal gayi? 31st March 2020 ki due date thi 30th September 2020. फॉर प्रीवियस ईयर 31st March 2020 टू 31st March 2024 एग्रीमेंट साइन हुआ 1/9/21 को. द एग्रीमेंट डिटरमिन्स द मैनर ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ एएलपी एज पर 6 मेथड्स गिवन इन 92C विद सम एडजस्टमेंट वेरिएशंस. ऐसा हो सकता है और सीबीडीटी डिटरमिन्स इट्स ओन मेथड विच इज नॉट एज पर सेक्शन 92C. पॉसिबल है. 4. Now section 92C gets overruled and the EO cannot use the methods given in section 92C to determine the ALP of royalty. He has to follow the method given in the APA for the 5 previous years. Now section 92CA, kya hota hai ye? TPO gets overruled. And EO cannot refer the case to TPO under section 92CA to determine the ALP of royalty in the 5 previous years. He is to follow the method of method given in the APA for 5 previous years. And APA shall be binding on the SESI, CIT, AO. Therefore, AO will follow the APA and there is no question of filing the appeal to CIT appeals. The CIT also cannot reopen the case under 263 since he is bound with the APA.
later on the AO cannot reopen the case under 147 since he is bound by the APA. Suppose for previous year 20, a SESI filer returned on 30th-11-20. Which is not as per APA. आपने एग्रीमेंट कब एंटर किया है? 1/9/21 इसके मंथ के आखिरी में आ जाइए 30th September 21 वहां से 3 महीने 31 December 21 तक मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करनी होगी आपको. सपोज फॉर प्रीवियस ईयर 20 असेसी फाइल्ड अ रिटर्न ऑन 30th 11/20 विच इज नॉट एज पर द एपीए बिकॉज एपीए एंटर नहीं हुआ था. Now, assessee shall file a modified return within 3 months from the end of the month in which APA was entered into. Now, assessee will file a modified return for previous year 20 as per the APA on or before 31st December 21. If suppose for previous year 20 assessment under 143(3) was completed on 30th November 21 without applying the APA, AO kya karega? असेस रीअसेस करेगा, मॉडिफाई करेगा, मॉडिफाई करेगा असेसमेंट अंडर 143(3) फॉर प्रीवियस ईयर 20 इन अकॉर्डेंस विद द एपीए. टाइम लिमिट असेस क्या होगा कंप्लीट करने का? चंद्र सिद्ध जल्दबाजी क्यों करते रहते हो आप? क्या लिखा है लॉ में? वन ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच मॉडिफाइड रिटर्न वॉज फाइल्ड. ये टाइम लिमिट किस केस में होता है? जब वो पहले असेसमेंट कंप्लीट कर चुका है. अब असेस ने मॉडिफाइड रिटर्न का फाइल किया है 31/12/21. अब एओ मॉडिफाइड ऑर्डर कब तक पास कर सकता है? इसके एंड में आ चाहिए 31 मार्च 22, वहां से 1 साल 31 मार्च 23. कोई गलती तो नहीं है? इफ असेसी फाइल्स मॉडिफाइड रिटर्न ऑन 31/12/21 एन असेसमेंट अंडर 143(3) स्पेंडिंग ऑन डेट डेट. आगे मत पढ़िएगा, क्या एक्सटेंड हो जाएगी? डेट बताइए. यहां गलती हो सकती है. कैसे? एक मिनट, मेरा प्रीवियस ईयर है 20, असेसमेंट ईयर 2021 हो गया. जश्न कंफ्यूज कर रहे हैं. एक मिनट रुक जाइए, दोबारा से करते हैं. कंफ्यूज हो गया, रुक जाइए रुक जाइए. पेज 212 सबसेक्शन 3 क्या है? ऑर्डर पास कर चुका है, उसके बाद मॉडिफाइड रिटर्न फाइल हो रही है, तो एओ अपना ऑर्डर मॉडिफाई करेगा एज पर द एपीए. सबसेक्शन 4 क्या है? मॉडिफाइड रिटर्न फाइल कर दी, उस दिन असेसमेंट पेंडिंग है, तो अब एओ मॉडिफाइड रिटर्न एपी के सबसे असेसमेंट कंप्लीट करेगा अपनी. फाइव टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग द असेसमेंट. ए में टाइम लिमिट किसके लिए है? जहां असेसमेंट कंप्लीट कर चुका है वो, वहां पर जब भी मॉडिफाइड रिटर्न फाइल होगी उसके एंड में आ जाइए वहां से 1 साल
बी किसके लिए है? जब पेंडिंग है तो क्या होगा? जो 153 में टाइम लिमिट है वो एक साल से एक्सटेंड कर दिया जाएगा। जस्ट क्लियर है? कहां गए हम? पॉइंट एट देख रहे थे पेज 213 पर। पॉइंट एट में असेसमेंट कंप्लीट हो गई 30 नवंबर 21 को। ए पी नहीं लगाया गया। अब एओ मॉडिफाई करेगा इस असेसमेंट को एज पर द एपीए। टाइम लिमिट क्या होगा? मॉडिफाइड रिटर्न 31/12/21 को फाइल की गई, वहां के एंड में आ जाइए 31 मार्च 22, वहां से एक साल 31 मार्च 23। नाइन बारह महीने नहीं होती टाइम लिमिट। क्या बोल रहे हो आप लोग? आई थिंक वी शुड एंड द क्लासेस वेरी सून, बहुत ज्यादा क्लासेस हो रही हैं। एक मिनट, 143(3) का टाइम होता है 12 महीने फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। जहां केस टीपीओ को रेफर करते हैं वहां एक साल बढ़ जाता है, यहां 12 महीने ही रहेगा, टीपीओ को रेफर नहीं हुआ। अभी कोविड छोड़ दीजिए, 31/12/21 को मॉडिफाइड रिटर्न फाइल किया आपने, असेसमेंट पेंडिंग है उस दिन, एओ असेसमेंट कंप्लीट करेगा 143(3) में, एपी के हिसाब से टाइम पीरियड एक साल से बढ़ा लिया जाएगा। टाइम पीरियड क्या होगा? 12 महीने फ्रॉम एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर 31 मार्च 22 से एक साल, असेसमेंट 22 यहां से 12 महीने 31 मार्च 22, एक साल और बढ़ा देंगे हम, तो क्या हो जाएगा 31 मार्च, ये 23 होगा, ये 22 होगा। वन फोर्टी थ्री थ्री को कंप्लीट करके टाइम लिमिट 31 मार्च 22 होगी, बिकॉज द केस इज नॉट रेफर टू टीपीओ। अब ये साल टाइम एक साल बढ़ा दिया जाएगा। कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए प्लीज। एपीए शैल नॉट बी बाइंडिंग इफ देयर इज अ चेंज इन लॉ फैक्ट्स ऑफ द एग्रीमेंट। सपोज सीबीटी फाइंड्स एपीए वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, तो क्या होगा? इसको वॉइड डिक्लेयर कर देंगे। अगर एपीए वॉइड हो जाता तो क्या होता है? ये माना जाएगा एपी कभी एंटर नहीं हुआ। टाइम पीरियड जब से एपी एंटर हुआ, जब से वॉइड डिक्लेयर हुआ, वो इंक्रीज कर दिए जाएंगे सारे। क्लियर है? अब आ जाइए पेनल्टीज पर। याद करिए, मैंने पेनल्टी के चैप्टर में आपको टीपीटीपी लगवा के छोड़ दिया था, याद आया? पेनल्टी का जो चार्ट था वहां हमने टीपी लिख के कहा था बाद में डिस्कस कर लेंगे टीपी में। पहले तो पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम 270A लेते हैं। आप भूल चुके होंगे इसलिए मैंने रिपीट किया। यहां पर हमने पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग में किया था कि अगर असेसमेंट में कोई भी इनकम बढ़ती है तो पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम लगाई जाती है 50%, और अगर कुछ वोले केसेस होते हैं जो सबसेक्शन 9 में दिए होते थे 200% मिस रिपोर्टिंग लग जाती है। हमने वहां यह भी पढ़ा था कि 5 केसेस में पेनल्टी नहीं लगेगी, जहां हाई कोर्ट के बेसिस पर मैंने डिडक्शन क्लेम की थी, जहां मैंने एस्टिमेटेड बेसिस पर डिसअलाउंस किया था, एओ ने वो डिसअलाउंस बढ़ा दिया, उसमें एक केस हमने ये भी किया था 270A। 270A कहता है देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम।
तो अगर टीपी में इनकम बढ़ रही है तो भी हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, अगर क्या है इनकम जो बढ़ाई है किसने बढ़ाई है, टीपीओ ने बढ़ाई है, बट आप सच्चे थे, मतलब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन मेंटेन किए हुए थे, आपने ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को छिपाया नहीं था, कहां डिक्लेयर कर दिया था ऑडिट रिपोर्ट में, और जितने मेटेरियल फैक्ट्स सारे डिस्क्लोज कर दिए थे, उस केस में देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। ये तो आप कर चुके हैं पहले। सो सेक्शन 270A प्रोवाइड्स दैट देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम ऑन द अमाउंट ऑफ अंडर रिपोर्टेड इनकम रिप्रेजेंटेड बाय एडिशन मेड इन कंफर्मेटी विद द आमदन प्राइस डिटरमिन्ड बाय द टीपीओ वेयर द सेसी हैज मेंटेन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एज प्रिस्क्राइब अंडर 92D डिक्लेयर द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इन टीपी रिपोर्ट एंड डिस्क्लोज ऑल मेटल फैक्ट्स रिलेटिंग टू द ट्रांजेक्शन। लेकिन लॉ ये भी कहता है हम 200% पेनल्टी लगाएंगे। बताइए किस केस में 200% लगाते होंगे, जहां आपने इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को ऑडिट रिपोर्ट में नहीं दिखाया। पढ़ते क्या लिखा है, बढ़ते क्या लिखा है, जस्ट का क्वेश्चन था कि सिर्फ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, लॉ पढ़ लेते हैं। मैं तो लॉ पढ़ने से पहले मोटा मोटा बोलता हूं। सेक्शन आल्सो प्रोवाइड्स फॉर पेनल्टी ऑफ 200% ऑन द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल ऑन द मिस रिपोर्टेड इनकम। मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम इंक्लूड्स फेलियर टू रिपोर्ट any international transaction or any transaction deemed to be international transaction। वो जो था ना ऑस्ट्रेलिया इंडिया बीच में सिंगापुर आ गया था। फेलियर टू रिपोर्ट एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और एनी ट्रांजेक्शन डीम्ड टू बी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और एनी स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन टू विच प्रोविजंस ऑफ टीपी अप्लाई। अभी मैं आपको एक फाइनेंस बिल का मेमोरेंडम पढ़ाऊंगा जहां सरकार कहती है जो हमारा एओ होता है उसे क्या मालूम कि आपने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एंटर की है या नहीं, उसे क्या मालूम आपने स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एंटर किया है या नहीं। वो तो बेसिक रिपोर्ट होती है टीपी की जिससे पता चलता है कि आपने ट्रांजैक्शन एंटर किए हैं और वहां से एओ डिसाइड करता है कि इस केस को टीपीओ को रेफर करना चाहिए या नहीं। जहां आपने ट्रांजैक्शन दिखाई नहीं, याद करिए 147, वहां डीम्ड केस ऑफ इनकम एस्केपिंग असेसमेंट माना गया था। ये और यहां पर सेंस आपने दिखाई नहीं, अब एडिशन होगी 200% पेनल्टी फॉर मिस रिपोर्टिंग। क्लियर है, बताइए प्लीज। पेनल्टी 3 देखिएगा, छोटी सी पेनल्टी है। अगर आप ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट नहीं देते, पेनल्टी इज अ स्मॉल फाइन ऑफ 1 लाख रुपीस ओनली। सो अगर आप फेल करते हैं टू फर्निश रिपोर्ट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट एज रिक्वायर्ड इन 92E, ईओ विल डायरेक्ट एट सच पर्सन शैल पे
बाय वे ऑफ पेनल्टी अ सम ऑफ रुपीज 1 लाख, यहां करिए प्लस प्लस $271 की पेनल्टी लगेगी आपको। पहले $271 सिर्फ ये होता था, उसकी हेडिंग पढ़ेंगे, हेडिंग भी देखिए वही है जो पुरानी होता था लॉ, पेनल्टी फॉर फेलियर टू कीप एंड मेंटेन इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स जो 92 में डी में रिक्वायर्ड है विदाउट प्रेजुडिस टू प्रोविजंस ऑफ 270A, 271BA। क्या मतलब हुआ? ये भी लगेंगे आप, 270A भी लगेगा, 271B भी लगेगा इफ एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन अगर डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन नहीं मेंटेन करता एज रिक्वायर्ड इन 92D। तो जितने की आपकी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन है या स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन है उसका 2% इज द पेनल्टी। अब यह इन्होंने चेंजेस किए, क्या चेंज किया? ये एक मेजर चेंज आया, क्या? फेल्स टू रिपोर्ट अ ट्रांजेक्शन विच इज रिक्वायर्ड टू डू, यानी टीपी रिपोर्ट नहीं दी आपने या टीपी रिपोर्ट दी उसमें ट्रांजेक्शन नहीं दिखाई, नहीं दिखाई। और तीसरी पेनल्टी किसके लिए लाए? आपने डॉक्यूमेंट्स तो रखे हुए हैं, इंफॉर्मेशन रखी हुई है, सारी गलत है, तो पेनल्टी देखिए कितनी हैवी है, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बाय सच पर्सन। लिखिए असेसी हैज फेल्ड टू सबमिट टीपी रिपोर्ट वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल एंड स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स इज ₹100 crore। क्या होगा? बताइए ना प्लीज। ₹100 crore पेनल्टी लगेगी आपको, 271BA में 1 lakh और 271AA में लगेगी 271W में कितनी लगेगी? 2 crore। वन टू असेसी हैज फर्निश्ड टीपी रिपोर्ट
he failed to disclose international transaction of rupees 200 crores whose ALP is determined as 250 crores? A good question. क्या होगा बताइए? पेनल्टी के सेक्शन में लगेगी? एमसीक्यू आपको इस लेवल पर आते हैं. बताइए ना. चंद्रस बोलिए. 271 डबल ए में लगेगी कितनी? 2% ऑफ व्हाट? 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. विच वैल्यू? नो, इट इज द एएलपी. सही वैल्यू लेगा ये तो. तो 2% लगेगी ऑफ 250 करोड़. और कौन सी लगेगी? 270A में लगेगी. 200% लगेगी ऑफ टैक्स ऑन रुपीज. Fantastic, 50 crores. हाँ. यहां पर 270 डबल ए लग जाएगी. ए सॉरी, बट यहां में फिगर्स नहीं दी हुई. तो 270 ए में लगेगी 200%. नहीं, एक मिनट, आपने 100 करोड़ तो अकाउंट्स में आ रही होगी ना आपके. एक मिनट रुकिए ना, एक काम करते हैं, एक्सचेंज करें इसे. तो 270 में जितनी इनकम बढ़ेगी उस पर लग जाएगी, और 2% भी उसी का लगेगा. फिर चेंज कर लीजिए, कर लीजिए. एक मिनट, असेसियस फेल टू सबमिट वैल्यू ऑफ ट्रांसफर दिस इज, इसे 80 कर दीजिए. इज 80 करोड़. एएलपी डिटरमिन्ड इज 100 करोड़. ठीक, तो 271 बीए में लगेगी 1 लाख नॉन फर्निशिंग ऑडिट रिपोर्ट. 2% लगेगा 100 करोड़ का, बताइए. और 270 ए में लगेगा 200% ऑफ
टैक्स ऑन 20 crores, ठीक। आगे पढ़िए, पेनल्टी एक और है, एक और पेनल्टी क्या है देखिए। तो एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट इस लेवल के बनाती है, एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट इस लेवल के बनाती है। नेक्स्ट क्या था आपका, देखिए 271G में क्या था, इफ एनी पर्सन हु हैज एंटर्ड इनटू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन स्पेसिफिक डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन फेल्स टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड इन 92D, तो अगर आप इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करते तो भी पेनल्टी 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन है। आगे देखिए कहीं स्पेस है, आई थिंक लास्ट पेज पर है 217। पेनल्टी 2% ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कब लगती है, बताइए। फेलियर टू मेंटेन इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स रेफर्ड इन सेक्शन 92D। नंबर टू क्या है, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स मेंटेन अंडर 92D। पहला मेंटेन नहीं किया, दूसरा है इनकरेक्ट, तीसरा पहले इसमें इंफॉर्मेशन पे आइए ना सारा। नाइन 271G देखिए ना क्या है, फेलियर टू क्या है, फर्निश इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 92D3। चौथा क्या है, फेलियर टू रिपोर्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन इन टीपी ऑडिट रिपोर्ट, पता नहीं एक पेनल्टी मुझसे डिलीट कैसे हो गई यहां से, आई एम सरप्राइज्ड व्हाई आई डिलीटेड वन पेनल्टी फ्रॉम हियर। लिखिए
एक पेनल्टी और लिखी, मुझसे मिस हो गई पता नहीं कैसे। पेनल्टी फॉर नॉन सबमिशन और लेट सबमिशन ऑफ मास्टर फाइल कितनी बताई थी मैंने आपको? 5,00,000। दिया हुआ पर मैंने, अच्छा तभी ये चक्कर हो गया होगा। 92D में दिखा हुआ है, मुझे दिखाई नहीं दे रही। सेकेंड पॉइंट का ओह यस, सॉरी 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 यस दिया हुआ है, सॉरी। इफ एनी पर्सन फेल्स टू फर्निश द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट एज रिक्वायर्ड इन 92D4 तो पेनल्टी 5,00,000 रुपए की है, मास्टर फाइल के लिए है। दिया हुआ, मैंने कहा डिलीट कैसे हो गया मुझसे ये। आपका जो पेनल्टी का चैप्टर था मैंने टीपी लगवा के छोड़ दिया था 271AA, फेलियर टू कीप द बुक्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह, फेलियर टू रिपोर्ट द ट्रांजैक्शंस या इनकरेक्ट रखते हैं। 2% ऑफ वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, मास्टर फाइल नहीं दिया आपने 5,00,000, उस सबने टीपी लिख के छोड़ दिया था। Failure to furnish a report from accountant in 92E, 1,00,000। G था हमारा, जी। Failure to furnish information documents 92D3 में नहीं देते आप 2% value for each transaction, ये Vodafone है, Vodafone इंडियन कंसर्न को बताना होता है चेंज इन मैनेजमेंट वगैरह, अगर नहीं बताती 2% ऑफ 60,000 करोड़, और अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं हो रही तो 5,00,000 की पेनल्टी है। ये सीबीसी रिपोर्टिंग में नहीं करा पाऊंगा। तो आप देखिए जो भी मैंने कुछ आपको छुड़वाया था सब कुछ कवर हो रहा है। टाइम कम है हमारे पास, पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एक बार मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल 2012 पढ़ लीजिएगा, उसमें बताया गया इतनी हार्श पेनल्टी क्यों लाई गई, जो मैंने बताया आपको कि रिपोर्ट में नहीं दिखाई आपने फिर तो मिस हो गई, इसलिए हम जबरदस्त पेनलाइज कर रहे हैं आपको। प्लस फाइनेंस एक्ट 20 की जो अमेंडमेंट आई है उसको क्विकली पढ़ लेते हैं। पेज 216, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द फाइनेंस बिल 20, सेक्शन 92CB सेफ हार्बर एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीडीटी टू मेक सेफ हार्बर रूल्स टू विच Determination of arm length price under 92C shall be subject to, as per the section, the sum safe harbor means the circumstances in which income tax authority will accept the transfer price declared by the SSE. The section was inserted in the act to reduce the
transfer pricing audits, and prolonged disputes, especially in case of relatively smaller SSEs. Besides reduction of disputes, SHR is safe harbor rules, में सर्टेनिटी आ जाती है. इसी तरह 92CC में क्या होता है, बोर्ड एम्पावर्ड है टू मेक APA, जिसमें आपकी ALP डिटरमिन की जाती है, फिर ALP निकालने का तरीका बताया जाता है इन रिलेशन टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन. APA भी टैक्स सर्टेनिटी प्रोवाइड करते हैं फॉर 5 years एज वेल एज 4 years रोल बैक. सेफ हार्बर रूल्स प्रोवाइड टैक्स सर्टेनिटी टू स्मॉलर SSEs फॉर फ्यूचर ईयर जनरल टर्म्स, वाइल APA प्रोवाइड टैक्स सर्टेनिटी ऑन केस टू केस बेसिस नॉट ओनली फॉर फ्यूचर ईयर्स बट ऑल्सो फॉर द रोल बैक ईयर्स. बोथ SHR एंड APA हैव बीन सक्सेसफुल इन रिड्यूसिंग लिटिगेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ ALP. इट हैज बीन रिप्रेजेंटेड एट एट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स टू PE ऑफ अ नॉन रेजिडेंट under clause 1 of subsection 1 of section 9 in accordance with rule 10, which results in avoidable disputes in number of cases. So 911 mein jahan business connections income nikali jati hai, wahan par dispute arise hote hai. In order to provide certainty, the attribution of income in case of non-resident person to the PE is also required to be clearly covered with the provisions of SHR and APA. तो कह रहे अब हम सेफ हार्बर रूल्स APA किसके लिए ले आएंगे, इनकम जो PE को एट्रीब्यूट कर रही है वो कैसे निकालेंगे, उसके लिए रूल्स लेंगे या फिर APA एंटर कर लेंगे आपसे. इन व्यू ऑफ द अबव हमने 92CC में लिख दिया कि ये करेंगे हम, और CB में ऐसी बातें लिख दी हमने. क्लियर है? So now you can attempt all the questions of TP. हमारा TP कल खत्म हो जाएगा. दो जो मेरे मेजर टॉपिक्स बचे हैं, रेजिडेंशियल स्टेटस, GAR. So कल से कुछ स्ट्रेटजी करेंगे ताकि जो छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको भी निकालना शुरू करें, क्योंकि बड़े सारे चैप्टर्स बनाए हुए मैंने. तो चैप्टर्स बनाए हैं इसलिए बनाता हूं कि आप अटेंशन से देखें उसे. ऑल दो मैं 5-6 चैप्टर एक चैप्टर में क्लब कर सकता था, बट मैंने चाहे 2 पेज के चैप्टर बना दिया. द रीजन वॉज एम्फेसिस देना है मुझे वहां पर. और आप देखेंगे जो MCQs आते हैं, 2 पेज का चैप्टर उसमें से 1 MCQ आ जाता है. ठीक है, सो विल स्टॉप हियर. देखिए बेसिकली, हाँ, अगर रोल बैक ईयर है तो वहां पर भी मॉडिफाइड असेसमेंट हो सकता है अगर असेसमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. यस यस यस, ओके, विल स्टॉप इट नाउ.